ये है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दो बड़े एग्जाम अक्टूबर में होने हैं, और इन दोनों ही एग्जाम में जो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वहां पर विषयवार यदि हम उसका अध्ययन करें तो वहां पर आपको साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर से विषय वस्तु से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसी आधार पर मैं यहाँ पर प्रत्येक वीक, हर एक सप्ताह, हर एक वीक में यहाँ पर एक करंट अफेयर्स की क्लास आपकी प्रारंभ कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस पहले वीक में हम इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, नेक्स्ट वीक में आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास आएगी, उसके बाद आपकी आपको एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है और आर्ट एंड कल्चर, ये अगले 5 हफ्तों में आने वाले आपके करंट अफेयर्स की वीडियो होंगी। यहाँ पर हम मई 2020 से कितने साल का करंट अफेयर्स आता है, तो हमेशा होता है जो भी एग्जाम है यूपीएससी और यूपीपीएससी में, वहां पर जो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करीब हम कहते हैं 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ा होना चाहिए। कितना? 1.5 साल का, करीब 18 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ा होना चाहिए, और इसलिए मैंने यहां पर इसे मई 2020 से टारगेट किया है। मई 2020 से लेकर सितंबर यहां पर आपको फाइनल होगा, सितंबर क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है तो सितंबर तक का यहां पर आपको फाइनल जो भी करंट अफेयर आ सकता है पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में ये पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स को हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे, और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने का जो तरीका है इस करंट अफेयर्स को, वीडियो का आपको फायदा क्या है, वीडियो का यदि आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर न सिर्फ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक आए हैं हम उसका अध्ययन करने वाले हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के उस टॉपिक से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या संविधान में जो बातें उसके लिए की गई हैं, जो अनुच्छेद हैं या आयोग हैं या प्रावधान हैं, उसको भी हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात एक तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपको बुक्स में इत्यादि में जो टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं वो भी आपको पूछ लिया यहां पर हम कवर करने वाले, अर्थात दोनों ही तरीकों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। तीसरी जो चीज है यहां पर देखिए, आपको जो करना है इस करंट अफेयर्स के वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो हम यहां पर कवर करेंगे ही कवर करेंगे, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स की इस वीडियो को एक दो बार रिवीजन जरूर करें, और जो टॉपिक इसके पढ़ाए गए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक मूल आधार करंट होता है। जरूरी नहीं कि वो करंट आधारित प्रश्न ही पूछे उस टॉपिक से, हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो बेसिक क्वेश्चन आपसे, जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाए। इसलिए यहां पर आपको पढ़ने का जो तरीका है इस करंट अफेयर्स की वीडियो में, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं जितनी यहां पे कवर हो जाती है मैं करा रहा हूं, लेकिन एक बार अपने स्तर पर भी उसे रिवीजन कर लेना है, और इस तरीके से आप इस करंट अफेयर्स की वीडियो के माध्यम से यहां पर आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। 5 अगर सब्जेक्ट पर यूपीएससी और यूपीपीएससी में, यूपीएससी खासकर अगर देखें वहां पे 5 अगर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपके काफी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन आराम से इन 5 सब्जेक्ट से आते हैं जो कि आपको क्वालिफाई कराने के लिए, प्री क्वालिफाई कराने के लिए काफी है। यूपीपीएससी की बात करें तो यहां पर काफी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो सीरीज है आप दोनों लोगों के लिए और आरओ के जो एग्जाम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये आपको काफी फायदेमंद होगी। कोशिश करेंगे हम इस पूरी वीडियो सीरीज के माध्यम से सभी जो टॉपिक वाइज यहाँ पर चीजें अध्ययन करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आपका काम है बस ये पूरा सुनना ध्यान से, सारा काम छोड़ करके एकाग्र होके अगले 1-2.5 घंटे जो भी समय लगेगा ध्यान से इसको पढ़ना है, और पूरा यहां पर हमें इसे रिवीजन करना है और खत्म करना है। तो मुझे सुनना है आपको, ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को अगले वीक में आने से पहले, अगला वीडियो आने से पहले, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार सुनिए। कुछ भी काम कर रहे हो इस वीडियो को लगा लो और सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे रिवीजन ऑटोमेटिक उतना हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत वहां पे एक्स्ट्रा कम ही पढ़ने वाली है। जो भी टॉपिक आप पढ़ो हमेशा उसके साथ इस वीडियो करंट अफेयर्स को आप लगा लोगे वहां पे आप ऑडियो पर, तो आपको यहां पर इसका फायदा होगा। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज के अपना स्टडी। देखिए यहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था से समसामयिक घटनाक्रम को लेकर हम यहां पर पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट रहे हैं वहां पर एक एक टॉपिक और उससे संबंधित प्रावधानों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर है पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण को लेकर यहां पर एक प्रावधान किया गया, ठीक है, एक समिति यहां पर गठित की गई और उसको यहां पर ओबीसी वर्ग से संबंधित उपवर्गीकरण, यहां पे सब क्लासिफिकेशन क्या है, ओबीसी वर्ग क्या है, इसको लेकर क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। देखिए 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत यहां पे एक न्यायमूर्ति थे जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। बात 2017 की है लेकिन अभी चर्चा का विषय क्यों बना है तो उसको भी यहां पर समझ लीजिए। यहां पर देखिए इनके 6 माह का, इसके कार्यकाल का, इस आयोग को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया गया, 6 महीने का और समय दिया गया है ताकि ओबीसी वर्ग का सही तरीके से यहां उपवर्गीकरण कर सके। उपवर्गीकरण देखिए यहां पर उद्देश्य क्या है,
ओबीसी वर्ग के मध्य आरक्षण के लाभों का न्याय संगत बंटवारा और असमान वितरण की जांच करना, ओबीसी के उपवर्गीकरण के यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तंत्र, मानक, शर्तें और मापदंड तैयार करना, ये सारे प्रावधान, ये सारा जो कार्य है वो यहाँ पर जी रोहिणी की अध्यक्षता में जो आपका उपवर्गीकरण ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए समिति गठित की गई है उसको ये कार्य सौंपे गए हैं। अगर देखा जाए कुछ अन्य चीजों की, ये तो हो गया इनका काम, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इनके पास ओबीसी वर्ग से संबंधित अगर हम वर्तमान समय देखें तो 1900 जातियां हैं, लेकिन यहां पर अगर लाभ की बात करें तो केवल 23% 1900 में सिर्फ 23% जातियों को ही यहां पर आपको लाभ इसका मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा 2633 ओबीसी वर्ग आपकी जातियां हैं और इसमें से सिर्फ 1900 जातियों को बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही केवल 10 उपजातियों को ही 23% ओबीसी वर्ग के अंतर्गत 10% जो लाभ है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 23 जातियों को वहां पर, ठीक है, 23% लाभ सिर्फ 10 उपजातियों को मिलता है। इसके अलावा ये पहला आयोग है जो कि ओबीसी वर्ग के लिए यहां पर गठित नहीं किया गया है। इससे पहले आप सब जानते हैं मंडल आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो मंडल आयोग का गठन किया गया था 1980 और उसकी सिफारिश पर ओबीसी को केंद्र सरकार की सेवाओं में 27% यहां पर आरक्षण देने की बात कही गई। कितना? केंद्र सरकार की सेवाओं में, अर्थात सार्वजनिक स्तर पर सरकार के द्वारा जो भी जॉब या नौकरियां निकाली जाती हैं उसमें 27% आयोग की सिफारिश, यहां पर मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया जो 1980 में स्थापित की गई। इसके बाद जॉब के बाद अगली बात की शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर देखिए यहां पे अनुच्छेद 15(4) के तहत 2006 में यहां पर ओबीसी वर्ग को शिक्षा में आपको आरक्षण प्राप्त किया गया। और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो आपको यहां पर आरक्षण प्राप्त हुआ ओबीसी वर्ग को वो अनुच्छेद 16(4) के तहत, और शिक्षा के अंतर्गत जो इनको आरक्षण प्राप्त हुआ वो अनुच्छेद आपको 15(4) के तहत। कौन सा? दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, आपको अनुच्छेद एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। यहां पर ये क्वेश्चन आरक्षण को लेकर पूछा जा सकता है, ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत यहां पे आरक्षण प्राप्त है, ठीक है, या सार्वजनिक क्षेत्र में किस अनुच्छेद के तहत, शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको हर एक चीज कवर करके रखना है, कुछ भी यहां पर छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने मंडल आयोग, अनुच्छेद, वर्तमान की समितियां और पुरानी जो जानकारी है वो यहां पर आपको बता रहा हूं, तो सारी चीजों को यहां पर कवर करना है। इसके अलावा इंदिरा साहनी निर्णय 1992 के तहत क्रीमी लेयर मानदंड, क्रीमी लेयर को लेकर लगातार एक विवाद का विषय बना रहता है। क्रीमी लेयर को हाल ही में यहां पर देखिए, जो क्रीमी लेयर की स्थापना, क्रीमी लेयर क्या होता है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, वो क्या है वो भी समझ ले क्योंकि वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको, उस पक्ष को समझिएगा आप। यहां पर देखिए इंदिरा साहनी निर्णय 1992 के तहत क्रीमी लेयर मानदंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किए गए, जिसमें कहा गया कि 8 लाख से ज्यादा की आय वालों को यहां पर क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है, किसके अंतर्गत? 8 लाख से ज्यादा आय वालों को। साथ ही 2013 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 3 श्रेणियां लागू की, ठीक है, तो यहां पर पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए यहां पर तीन श्रेणियां बनाई गई आपकी। कौन कौन सी? अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। 1995 जो आपका इसे संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 बी को जोड़कर, किसे? पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई है उसको भी ध्यान रखेगा, क्वेश्चन हो सकता है आयोग से रिलेटेड पूछ लें। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो किसके तहत हुई है? 102वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से संवैधानिक निकाय यहां पर बनाया गया और इसके लिए अनुच्छेद 338 बी को यहां पर संविधान में जोड़ा गया है। साथ ही ओबीसी के अधिकारों और सुरक्षा उपाय, शिकायत निवारण, ये सारा काम कौन देखता है? आपका पिछड़े वर्ग आयोग जो होता है ओबीसी वर्ग से संबंधित समस्याओं को, शिकायतों को उसका निवारण करता है, उनके विकास के लिए कार्य करता है, उससे संबंधित योजनाओं को यहां पर देखता है। तो ये हो गया ओबीसी वर्ग। ओबीसी वर्ग में वर्तमान में जी रोहिणी समिति किस लिए गठित गई है, ठीक है, इसके अलावा आपको हमने यहां पर देखा उपवर्गीकरण को देख लिया, क्रीमी लेयर की स्थिति को देख लिया, मंडल आयोग की सिफारिश देख लिया, उपवर्गीकरण की स्थितियां देख ली, और लगभग सारा कुछ यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग से जो भी प्रश्न पूछ सकता है इससे इतर कुछ नहीं पूछेगा। तो यहां पर हमने सब कवर किया है, बस आपको इसी को एक बार और रिविजन कर लेना ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई भी प्रश्न आए तो आपका यहां पर छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लेकर।
तो यहां पर बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और बहुत सारे विधेयक सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं। कुछ मानसून सत्र में पारित किए गए हैं, कुछ शीत सत्र में पारित किए गए हैं। तो यहाँ पर इन सारे को संशोधन को और सारे आपके विधेयकों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पर जो विधेयक 2021 में प्रस्तुत किया गया, किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण संशोधन विधेयक, इसमें क्या क्या है उसको समझिएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर को या 18 वर्ष से जो कम उम्र के लोग हैं उनको हम किशोर की संज्ञा देते हैं, जुवे नाइल बोलते हैं। क्या जुवे नाइल को हम क्या, कौन सा शब्द है जुवे नाइल, जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। अभी हाल ही में देखिए इसकी विशेषताएं जो है इस विधेयक की क्या है, कि यहाँ पर जो डीएम है और एडीएम दत्तक ग्रहण आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, यदि किसी भी यहाँ पर छोटे किशोर को या फिर जुवेनाइल को यदि कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उससे संबंधित जो आदेश है वो यहाँ पर दे दिया गया है। जिले का जो डीएम होगा या एडीएम होगा वो इससे संबंधित आपको आदेश जारी कर सकता है। साथ ही यहाँ पर देखिए विभिन्न अभिकरणों के कार्यों का समन्वय, निगरानी, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्डों की कार्यप्रणाली की यहाँ पर त्रैमासिक समीक्षा आप सुनिश्चित की जाएगी, कि हर 3 माह में यहाँ पर जो किशोरों से संबंधित जो बोर्ड हैं, जो समितियां हैं, उनके जो कार्य कर रहे हैं उनकी यहाँ पर समीक्षा करना है। साथ ही यहाँ पर डीएम के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर संभावित जो संभागीय आयुक्त हैं उनके समक्ष आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। मान लीजिए डीएम का जो आदेश दिया गया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उस 30 दिनों के भीतर जो संभागीय आयुक्त होंगे उनके समक्ष आप डीएम के आदेश जो दिया गया है उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। ये भी इस विधेयक में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जिन अपराध में 3 से 7 वर्ष की सजा व न्यूनतम कारावास का दंड का प्रावधान है उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया, अर्थात कोई भी जो जुवेनाइल है या किशोर है कोई ऐसा अपराध वहां पर है, अपराध की श्रेणी इनके लिए बनाई गई। 2 तरीके के अपराधों के तहत इनको यहाँ पे सजा का प्रावधान किया जाएगा, एक अपराध जो से गंभीर अपराध बोला गया है, दूसरा घोर गंभीर अपराध बोला गया है। तो गंभीर अपराध के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है, कि यहां पर ऐसा कोई अपराध जिसके लिए 3 से 7 वर्ष की सजा और न्यूनतम कारावास दंड का प्रावधान है, ठीक है, इसे गंभीर अपराध के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। दूसरा यहां पर है घोर गंभीर अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक कारावास और न्यूनतम दंड का यहां पर आपको कोई भी यहां पर न्यूनतम सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, वो गंभीर घोर अपराध के तहत यहां पर इन्हें सजा के प्रावधान, क्योंकि हाल फिलहाल काफी सारे ऐसे केसेस आए जिसमें यहां पर जुवेनाइल केसेस बने जिन्होंने बहुत ज्यादा जघन्य अपराध किए हैं, तो वहां पर इससे संबंधित जो प्रावधान है, जो सजा के प्रावधान है वो भी इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी मामलों में अभियोजन व बाल न्यायालय में चलाए जाएंगे, इनसे संबंधित जब सभी जो केसेस लड़े जाएंगे वो कहां चलेंगे, बाल न्यायालय में। इसके अतिरिक्त बालकों के विरुद्ध अपराध असंज्ञेय व गैर जमानती क्षेत्र में यहां पर बाल कल्याण समिति का सदस्य नहीं होगा, साथ ही मानवाधिकार बाल अधिकार उल्लंघनकर्ता नैतिक अक्षमता हेतु यहां पर सजा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकार की सेवा से इन्हें हटाया जा सकता है और व्यक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि कोई प्रशासनिक व्यक्ति भी इस तरह के केसेस में यहां पर पाया जाता है या उसकी इस तरह केसेस में किसी तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे बर्खास्त किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार में कार्यरत हो चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो। बाल नियोजन का अनैतिक कार्य का हिस्सा या जेल के बाल देखरेख संस्थान प्रबंधन का हिस्सा होगा तो वहां पर इससे संबंधित भी कार्यवाही उसके अंतर्गत की जाएगी। ये सारा प्रावधान हम किसके अंतर्गत देखते हैं, इस किशोर न्याय विधेयक के अंतर्गत। चलिए 2 टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है यहां पर अंतर्राज्यिक जल विवाद। अंतर राज्य 2 अलग अलग राज्यों के मध्य जो नदियों का और अन्य प्रकार के जल स्रोतों के बंटवारे की स्थिति है उसके कारण कई बार विवाद जन्म लेता है और इसके लिए यहाँ पर अंतर्राज्य जल विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हाल फिलहाल ये विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्या प्रावधान है, किस तरीके से सुलझाया जाता है, किसके पास क्या शक्तियां हैं, इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न आएगा तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले अंतर्राज्य जल विवाद है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2014 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड का यहाँ पर क्षेत्राधिकार अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश जब आपका अलग हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर पहले समस्या क्या थी कि पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य था, वहां पर जो भी जल स्रोत थे वहां पर उनके प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 राज्य बन गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बन गए, इनके मध्य जल स्रोतों को लेकर विवाद जन्म लिया
और इस जल विवाद को यहां पर सॉल्व करने के लिए दो प्रकार की जो नदियां, दो नदियों के जल विवादों को लेकर समस्या आई, एक है कावेरी, दूसरा है गोदावरी। कावेरी और गोदावरी के इस नदियों के पानी के बंटवारे के लिए यहां पर देखा जाए तो दो बोर्ड बनाए गए, गोदावरी और कावेरी। यहां पर इन दोनों ही बोर्डों को, इन नदी प्रबंधन बोर्डों को लेकर अभी हाल ही में, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना, आपके जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इनके कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए कि आपको किस किस नदी, जो गोदावरी नदी का जल क्षेत्र है वहां पर कहां कहां के नदी जल क्षेत्र के संदर्भित आपको परीक्षण करने हैं, निरीक्षण करने हैं, उसके बंटवारे के सुझाव इत्यादि देने हैं। अब पूरा विवाद समझते हैं। चलिए अब ये तो अपना देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, विवाद अपना सुलझाएंगे, लेकिन विवाद यहां पर मूल रूप से है क्या तो उसको समझिएगा। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्यों में विवेकपूर जल उपयोग के लिए यहां पर इनको, इन बोर्डों के यहां पर इनको निर्धारित किया गया। दोनों यहां पर एक स्वायत्त निकाय के तौर पर कार्य करते हैं। विवाद की स्थिति देखिए, ये जो बोर्ड है आपका, 2014 में इन्होंने ऑलरेडी नदी जल बंटवारे को लेकर एक सुझाव, एक सिफारिश की थी, जिसका अनुपात था 66:34, 66 आपको आंध्र प्रदेश को, 34 आपको तेलंगाना को देना था। अब इसमें आगे देखिए, आगे सब विवाद क्या जन्म लेता है। आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, पुली चिंतला, प्रकाशम बैराज, यहां पर देखिए जो आपकी कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी पर कुछ आपके बांध बनाए गए हैं, कुछ बैराज बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी और तरीके के उत्पादन होते हैं। अब समस्या ये आई कि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे होने के बाद ये जो बांध हैं, जो बैराज हैं, ये किस राज्य के पास होंगे, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, उसके माध्यम से जो पानी इत्यादि होगा, और नदी, जो कावेरी नदी का पानी है, वो कौन कितना रोक सकता है, कितना प्रयोग कर सकता है, विवाद यहां पर जन्म लेता है। अब यहां पर देखिए, कावेरी नदी पर कुल 5 बने हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवाद का कारण बने हैं। इन 5 में से 3 आपके आंध्र प्रदेश के पास हैं और 2 आपके तेलंगाना के पास हैं। जो 3 आंध्र प्रदेश के पास हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा, पुली चिंतला, प्रकाशम बैराज और यहां पर आपका श्रीशैलम है। तेलंगाना के पास जो 2 हैं उनमें से एक है आपका नागार्जुन सागर और दूसरा है जुराल परियोजना। इन 5 में से विवाद एक चीज को लेकर है। विवाद है किस चीज को लेकर? तो विवाद यहां पर सभी जो हैं वो सभी कृष्णा नदी पर स्थापित हैं, लेकिन विवाद का जो मूल कारण है श्रीशैलम जलाशय के प्रयोग को लेकर। किसके? श्रीशैलम जलाशय के प्रयोग को लेकर यहां पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर इस विवाद को यहां पर जन्म देने का आरोप लगाता है। कहता यह है कि यहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से बिना अनुमति या परामर्श के हुए वो इन 5ों ही जो आपके बैराज हैं, आपके बांध हैं, इनका जो पानी है वो अपने दृष्टिकोण से प्रयोग कर रहा है, और ये आपको कहीं ना कहीं विवाद का जन्म का कारण बनता है। उसके कारण कावेरी नदी का जो जल स्रोत इत्यादि है, बाकी सारे जो जलाशय हैं, उसके कारण आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जलाशय संबंधी या पानी के जो आपको प्रवाह होना चाहिए उसमें यहाँ पर समस्या आ रही है। अब इसको लेकर देखिए, अब इस विवाद को सुलटाया कैसे जाएगा, तो हाल ही में यहां पर देखिए, जितने भी आपको इस नदी के, ठीक है, आपके कावेरी नदी के जितने भी आपके दाएं किनारे हैं, दाएं किनारे पे जो जो भी आपकी प्रविधियां हैं, चाहे जल विद्युत केंद्र हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बांध हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं आंध्र प्रदेश को, और बाएं किनारे पे जो भी सारी प्रविधियां थी वो आपको दे दी गई तेलंगाना को। अब यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा ये तो हो गया वर्तमान जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य स्थिति है, लेकिन अगर संविधान में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर क्या प्रावधान है, किस तरीके के अनुच्छेद हैं, किन सूची में किसको यहां पर नदी के जल को रखा गया है, इसको समझिएगा। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य प्रविष्ट संख्या 17 में जल का वर्णन है, जहां राज्य सरकार जल से संबंधित निर्णय ले सकती है। वहीं आपके अनुच्छेद 262 के अंतर्गत, सॉरी, संघ सूची के प्रविष्ट संख्या 56 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी व विनियमन संसद के द्वारा लोकहित में घोषित किया जा सकता है। यदि यहां पर राज्य के अंतर्गत है तो सिर्फ राज्य लेगी, ठीक है, राज्य सूची का विषय है जल, लेकिन यदि अंतरराज्यीय नदी है, ठीक है, और लोकहित के संदर्भ में, फिर उस पर निर्णय कौन करेगा? संसद के द्वारा यहां पर उस पर निर्णय लिए जाएंगे, और ये आपकी संघ सूची का विषय बन जाता है प्रविष्ट संख्या 56 के द्वारा। इसके अलावा अंतरराज्यीय नदी व विनियमन संसद के द्वारा लोकहित में घोषित करने के साथ ही अनुच्छेद जो 263 है, ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्याय निर्णयन से संबंधित यहां पर आपको का गठन कर सकता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित जो प्रावधान होंगे, जो समस्याएं होंगे, उसको निराकरण जो होगा वो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत।
विवाद का कारण क्या है? वर्तमान समय में जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आपको बार बार देखने को मिलते हैं, कभी आपको महाराष्ट्र गुजरात, कभी यूपी एमपी, कभी कहीं कहीं किसी, तो हर एक राज्य में इस तरीके की जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों के मध्य ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की स्थितियों के क्या क्या कारण हैं? तो यहाँ पर देखिये, सबसे पहली समस्या ये है कि आपका देश की जो संघीय संरचना है, एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, अल्प वर्षा के कारण प्रमुख जल स्रोतों पर निर्भरता अधिक, पारदर्शी सूचना का अभाव व साझाकरण की समस्या, नदी बेसिन अवसंरचना का विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था इत्यादि यहां पर नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर जो समस्याएं हैं इन्हीं के कारण जन्म लेती हैं। क्या आप किस तरीके से इनका प्रचालन कर रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरीके से इसको बंटवारा किया जाना चाहिए, राज्यों का यहाँ पर संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं उसका यहाँ पर राज्यों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राज्य की वहां पर जो आवश्यकताएं उसे कैसे पूरा किया जाएगा, तो यहाँ पर पारदर्शी व्यवस्था, सूचना का अभाव, संघीय व्यवस्थाएं, ये कई सारे रीजन बनते हैं जिसके कारण यहाँ पर नदी जल विवाद उत्पन्न होते हैं। और अभी भी देखा जाए तो कई सारे जो विवाद हैं अभी भी लंबित हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं वो सुलझाए नहीं गए हैं, लंबित हैं। तो लंबित होने के क्या कारण हैं? विवाद समाधान का विलंब, जटिल व अपारदर्शी क्रिया, गैर अनुपालन की समस्या, राजनीतिक लामबंदी, संस्थागत निर्वाद और सरकारी यहां पर प्रयास, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं जिसके कारण आपको वर्तमान समय में भी मुद्दे अभी भी लंबित हैं। सरकार के द्वारा इन विवादों को सुलझाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, कौन से प्रावधान बनाए गए हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं वो भी समझिए। तो यहां पर देखिए, एक बनाया गया नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा जो भारत की सभी नदियों से संदर्भित यहां पर किन किन राज्यों में कैसे बंटवारे हैं, क्या संरचना है, उससे संबंधित क्या विवाद है, उसको ये संदर्भ यहां पर कार्य करेगा। दूसरा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों के जलों के बंटवारे को लेकर कार्य किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र नदियों संबंधित जो जानकारी है, जलों संबंधित उनके परीक्षण, पर्यावरण अनुकूलन और अन्य चीजों को लेकर कार्य करना, और भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर नदी और जल स्रोतों संबंधित कार्य या प्रावधान, उनके संरक्षण, बंटवारे, उनके अन्य प्रकार के प्रयोगों को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। तो ये सब समझ लिया, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान, वर्तमान स्थिति, विवाद, प्रयास, समस्याएं, आपका सारा समस्या यहाँ पे सॉल्व हो गई। इससे संबंधित टॉपिक्स को आपको कवर करके चलना है। कहीं से कुछ भी प्रश्न है, हमें पढ़ना ही ऐसे है कि कुछ भी कहीं से कैसा भी प्रश्न आपको पूछा जाए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपसे एक भी प्रश्न यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। अगला यहाँ पे है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा सरकारी सहकारी सोसाइटी संबंधित 57वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद के कुछ भाग में यहाँ पर आपको जिसे 9B को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 9B को यहाँ पर निरस्त किया गया है। सहकारिता जो है वो राज्य सूची के विषय है और संसद के अभिपुष्ट किए बिना इसे लागू यहाँ पर नहीं किया जाता है, जबकि संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडलों की अभिपुष्टि अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कानून बनाकर इसे लागू किया गया था सहकारिता को, जिसे राज्यों से बिना अभिपुष्ट के लिए लागू कर दिया गया। समस्या ये थी कि यहाँ पर आप सहकारिता को बिना राज्यों की अभिपुष्ट के लागू नहीं कर सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसा किया और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। अब यहां पर देखिए, LNB तभी तक प्रभावी रह सकता है जब तक यहाँ पे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संबंधित है, सहकारिता व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ होगा, साझे आर्थिक लक्ष्य होंगे, साथ ही इसमें PACS, सहकारी बैंक, समितियां इत्यादि इसके अंतर्गत आती हैं। 57वें संविधान संशोधन के द्वारा 19(1)(c) में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 43B और 9B को यहाँ पर इसमें अंतर स्थापित किया गया। दो चीजें अंतर स्थापित की गई, क्या क्या? अनुच्छेद 43B और साथ साथ 9B को यहाँ पर अंतर स्थापित किया गया। अब ये दोनों ही चीजों के बारे में समझ लीजिए क्या क्या है। तो अनुच्छेद 9C क्या कहता है, अनुच्छेद 1C क्या कहता है? कुछ निर्बंधों के अधीन संघम, संघ, सरकारी सोसाइटी बनाने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो किसके तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 1C के तहत। इसी तरह अनुच्छेद जो 43B है उसके तहत राज्य सहकारी सोसाइटी की स्वैच्छिक फाउंडेशन, स्वशासन प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर व वित्तीय प्रबंधन का संबंधन, यहां पर साथ ही साथ उनके प्रबंधन संबंधी कार्यों को लेकर अनुच्छेद 43B को यहां पर प्रावधान किया गया है। और जो भाग 9B लाया गया है ये किससे संबंधित, इसमें क्या कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी निदेशक संख्या, कार्यकाल, सदस्यता के मानक जो नियम होंगे वो अनुच्छेद यहां पर सॉरी
आपके जो भाग हैं 9B के तहत यहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारिता से संबंधित है, और सहकारिता को लेकर सरकार के द्वारा जो प्रावधान किया गया था उसे निरस्त कर देता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला यहां पर है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम के बारे में यहां पर देखिए क्या है, पर्यावरण व जल परिवार जल पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में यहां पर एसटी व अन्य परंपरागत निवासियों को वन अधिवासी के तौर पर यहां पर मान्यता प्रदान की है, जो कि इससे संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। अब इसके अंतर्गत देखिए किया क्या गया है, तो यहां पर वन संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, वनवासी समुदाय का संरक्षण, एससी व अन्य परंपरागत निवासियों के भूधारण अधिकार, आजीविका, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यहां पर 4 हेक्टेयर की जो भूमि है वो उनको यहां पर जो वन और उससे संबंधित परंपरागत आदिवासी हैं वहां की आसपास की 4 हेक्टेयर की भूमि को वो प्रोवाइड करा देंगे या पट्टे या लीज पर देंगे, किसको, इन वनवासियों को, जिसके माध्यम से ये लघु वनोपज, मत्स्यन, जल निकायों तक पहुंच का अधिकार इनको प्रदान किया जा रहा है। इनको सतत विकास, भूमि अर्जन, पुनर्वास अधिकार, वन प्रबंधन और ज्ञान अर्जन का भी यहां पर अधिकार प्रोवाइड कराया गया। इसके अतिरिक्त यहां पर जो समस्या है कि मूल रूप से वन के जो आदिवासी हैं उनके विकास को अब तक क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक समन्वय का अभाव और अन्य प्रकार की यहां पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये समस्याएं हैं, हाल फिलहाल की अगर स्थितियों को अगर आप गौर से देखें तो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा काफी सारे प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए, जैसे कि यहां पर वन धन योजना जिसके तहत जनजाति जो संग्रह करता है, ठीक है, जनजाति संग्रहकर्ताओं और कारीगरों को यहां पर गौड़ वनोपज केंद्रित आजीविका के विकास को लेकर यहां पर कार्य किया गया। दूसरा MSP, ठीक है, जो वनोपज है उनके लिए MSP यहां पर सरकार के द्वारा घोषित की गई। साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से इनके बच्चों को शिक्षा और साथ साथ आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक यहां पर विस्तार इस अधिनियम का किया गया है, ताकि आप यहां पर जो वनोपज हैं या वन आपके आदिवासी हैं उनके अधिकार उनको मिले और वहां से संबंधित पंचायत अधिनियम के तहत उनके विकास से संबंधित कार्य वहां पर किए जाए। अगला है यहां पर सरकार द्वारा एक और कानून यहां पर लेकर आया गया, टैक्सेशन कानून। टैक्सेशन कानून को लेकर यहां पर संशोधन अधिनियम 2021 यहां पर पारित किया गया। इसे वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है और यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फाइनेंस एक्ट 2012 में संशोधन करता है, जिसके तहत यह बिल टैक्सेशन से संबंधित जो पूर्व व्यापी आपके हैं, ठीक है, पूर्व व्यापी आचार को यहां पर रद्द कर देता है। अर्थात एक ऐसा कानून लाया गया है जिसके माध्यम से 2012 में एक कानून ऑलरेडी लाया गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि कोई भी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी यहां पर कर इत्यादि लेन देन किया गया है, खरीद बिक्री की गई है, उनको उन पर टैक्स देना होगा, वो भी कानून के लागू होने से पहले। तो यहां पर इस अधिनियम के माध्यम से उस पूरी प्रक्रिया को यहां पर समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर भारत में किसी भी या बाहर शेयर की बिक्री करने वाले, भारत में या बाहर आपने कोई भी विदेशी कंपनी या भारतीय कंपनी ने कोई भी शेयर या बिक्री की हुई है तो उनपे लगने वाले टैक्स को इसके माध्यम से पूरा 2012 उससे पहले को पूरा समाप्त कर दिया गया है। गैर निवासियों को भारत में स्थित किसी भी व्यवसायिक कनेक्शन, संपत्ति, असेट, आय के स्रोत के जरिए टैक्स का भुगतान करना यहां पर जरूरी है, जो कि 2012 के संशोधन के तहत यहां पर किया गया था। विदेशी कंपनी के शेयर्स को बेचने वाले व्यक्ति को भी यहां पर इन बिलों में होने वाली आय पर टैक्स देना पड़ता है। साथ ही यहां पर बिल के प्रावधान को पूरा करने वाले, अर्थात कि जिन्होंने भी भारत के, क्योंकि जब आप ऐसे कानून लागू करते हो तो कई सारी कंपनियां होती हैं जो सरकार पर केस कर देती हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी कंपनियों ने भारत सरकार के खिलाफ ऐसे केस कर रखे हैं, यदि वो उसे वापस ले लेते हैं और उनके द्वारा जो यहां पर आपत्तियां जताई गई हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन के पश्चात यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वहां पर वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहां पर टैक्सेशन कानून के तहत ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 2012 और उससे पहले ऐसे कानून जो कि यहां पर पूर्व व्यापी, अर्थात कानून के लागू होने से पहले लगाए गए जो कर होते हैं उनको यहां पर इसके माध्यम से समाप्त किया गया है, जो शेयरों की खरीद और बिक्री से संबंधित है, और यहां पर ऐसे केसेस को वापस लेने पर रिफंड इत्यादि की व्यवस्था टैक्सेशन एक्ट के माध्यम से यहां पर की गई। अगला यहां पर है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021।
यह राष्ट्रीय यह केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में संशोधन करता है और इसके माध्यम से कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को यहां पर आपको आगे बढ़ाया। तो ध्यान रखिएगा भारत में कहां कहां कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं। तो यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, हरियाणा के राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापना का प्रावधान किया गया। कितने? 4 राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का यहां पर प्रावधान किया गया। किसके माध्यम से? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से। साथ ही यहां पर 2021 के बिल में लद्दाख और यूटी में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना का भी प्रावधान है। तो 4 राज्य और एक यूटी में केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए यहां पर आपको ये बिल आपको पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा 4 राज्य कौन कौन से हैं। यूटी आपका आपका लद्दाख है, जिसका विश्वविद्यालय का नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, और बाकी जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और हरियाणा, यहां पर 4 राज्य हैं। नेक्स्ट है यहां पर संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन एक्ट 2021। तो यहां पर सरकार ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक एक्ट पारित किया है, जिसके तहत कुछ नई जनजातियों को एसटी के अंतर्गत यहां पर समाहित किया गया है। तो समझिएगा 2 अगस्त को अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री के द्वारा राज्यसभा में यह बिल पेश किया गया। यह बिल संविधान अनुसूचित जनजातियों के आदेश 1950 में संशोधन करता है। संविधान में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि राज्यों में यूटी में एसटी को निर्दिष्ट कर सकता है। तो अनुसूचित जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है, निर्दिष्ट कर सकता है, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 2021 के बिल में अरुणाचल प्रदेश की अबोर जनजाति को एसटी सूची से हटाने व अन्य को इसमें शामिल करने को लेकर यह बिल यहां पर पारित किया गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा यहां पर कुछ जनजातियों को एसटी से हटाया और कुछ नई को यहां पर जोड़ा गया है, जिसको समायोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या केंद्रीय और या देश के स्तर पर अनुसूचित जनजाति के तौर पर से सम्मिलित करने के लिए ये बिल पारित किया गया। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं जो हटाई गई हैं या जोड़ी गई हैं, वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए अबोर जनजाति हटाई गई है। कौन सी हटाई गई है? अबोर को यहां पर एसटी से हटा दिया गया है और उसकी जगह जोड़ा कौन कौन गया है, और ये सारी किससे संबंधित हैं? आपको अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो यहां पर देखिए ताई खामती, मिसमी कामन जिसे हम मिजू मिसमी भी कहते हैं, इदू मिसमी, तारोम, दिगारू मिसमी, मोम्पा, मेम्बा, सतरंग, सोरालांग और नोक्ते, तक्सा, नुत्सा, वाचो, ये सारी यहां पर जो जनजातियां हैं वो आपको शामिल की गई हैं एसटी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इनको यहां पर इससे संबंधित कौन सा बिल लाया गया? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल एक्ट 2021। अगला यहां पर है ट्रिब्यूनल सुधार बिल 2021। ट्रिब्यूनल सुधार बिल 2021 ये क्या है? जो अधिकरण होते हैं, ठीक है, अधिकरण जो कई सारे मामलों की सुनवाई इत्यादि करते हैं, उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर यह बिल पारित किया गया। अब इस बिल में देखिए क्या प्रावधान है। तो यह बिल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ट्रिब्यूनल को भंग करने और उनके कार्यों को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो कई सारे ट्रिब्यूनल को इसके माध्यम से रद्द कर दिया गया है और उससे संबंधित जो मामलों की यहां पर आपको सुनवाई है वो यहां पर कौन करने वाला है? किसी न्यायिक अर्थात अदालतों को, जैसे कि हाई कोर्ट को है या आपको जिला हाई सुप्रीम कोर्ट को है या आपको जिला न्यायालय को है, उनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अन्य क्या प्रावधान किए गए? साथ ही सरकार सारी सरकार को यहां पर आपको निकायों को ट्रांसफर करता है। फाइनेंस एक्ट 2017 में संशोधन किया गया, जिसमें सरकार को निम्न विषयों में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक है, सरकार यहां पर कौन कौन सी चीजों से संबंधित निर्णय यहां पर ले सकती है? तो पहला है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का संयोजन। ट्रिब्यूनल के सदस्यों को यहां पर क्या क्वालिफिकेशन होगी उसको यहां पर निर्धारित करेगी। ठीक है, तो सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जो नए अधिकरण बनेंगे वहां पर जो सदस्यों का चुनाव होगा उससे संबंधित क्या मानक होंगे वो इस कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। तो कमेटी का नाम क्या है यहां पर? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इसके अलावा और क्या काम है? सेवा की अवधि व शर्तें क्या होंगी ये भी निर्धारित किया जाएंगे। जो अधिकरण में जो सदस्य आएंगे, चेयरपर्सन होंगे, आपके उप चेयरपर्सन होंगे, अन्य सदस्य होंगे, वो कितने समय तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे उसकी अवधि निर्धारित करेंगे। साथ ही यहां पर चेयरपर्सन को यहां पर सिलेक्ट करना, कमेटी के सदस्यों का चुनाव करना, कमेटी के सदस्यों में कौन कौन होगा इसको भी यहां पर निर्धारित करेगा। तो कमेटी में यहां पर देखिए सदस्य जो होंगे, सीजीआई या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा नामित 2 सचिव, वर्तमान के निवर्तमान चेयरमैन,
मंत्रालय संबंधी ट्रिब्यूनल के सेक्रेटरी जिन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, साथ ही राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल राज्य से संबंधित पदाधिकारी, और 4 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होगा और आयु जो होगी चेयरपर्सन की 50 से 70 वर्ष के बीच और मैक्सिमम 70 और न्यूनतम 50 वर्ष और अन्य सदस्यों की 50 वर्ष न्यूनतम और 67 वर्ष अधिकतम होगी। इस तरीके से यहां पर देखिए ये जो ट्रिब्यूनल सुधार को लेकर सरकार के द्वारा काम किया गया काफी सारे समाप्त किया गया, नए यहां पे प्रावधान लागू किए गए, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का गठित किया गया जो कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चुनाव करेगी, सिलेक्शन करेगी, उनसे संबंधित नियम और सेवा शर्तें तय करेगी। यहां पर ट्रिब्यूनल में जो आपकी ये सिलेक्शन कमेटी है इसके सदस्य कौन कौन होंगे, जिसमें एक न्यायाधीश होगा जो CGI हो सकते हैं या फिर CGI के द्वारा कोई व्यक्ति नामित होगा, सरकार के 2 सदस्य होंगे, सचिव होंगे, और जिस मंत्रालय से संबंधित ट्रिब्यूनल गठित किया जा रहा है उसका कोई ना कोई एक प्रभारी यहां पर मंत्री होगा और सचिव यहां पर आपको कार्य करेगा, लेकिन सचिव जो होगा मोस्टली आपको उसको पदेन यहां पर होगा और वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। कि अगर किसी मामले में वोटिंग करनी हो, सदस्यों के चुनाव को लेकर 5-7 लोग हैं, सबको वोटिंग करनी हो कहां इसे चुना जाना चाहिए या नहीं, तो वहां पर उसे वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कार्यकाल भी जो सर्च कम सिलेक्शन समिति में 50 से 70 चेयरपर्सन के लिए, 50 से 67 आयु वर्ग आपको यहां पर अन्य सदस्यों के लिए नियुक्त की गई। तो ये हो गया, हमने 7-8 टॉपिक देख लिए, उससे संबंधित प्रावधानों को देख लिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है विस्मृत किए जाने का अधिकार, अर्थात किसी को भुला दिया जाना। भुलाना का अधिकार भी होता है, ठीक है, आप भुला सकते हैं किसी चीज को, लेकिन ये किस संदर्भ में यहां पर आया है, विस्मृत किए जाने का अधिकार क्या है और ये आपको किन परिस्थितियों में प्राप्त होगा, ये मामला क्यों चर्चा में है, इसको समझिएगा। तो हाल ही में देखिए होता क्या है कि कई बार आपके द्वारा जो डेटा होता है, जो आप कंप्यूटर इत्यादि में फीड इत्यादि कर देते हैं, जानकारी अपनी दे देते हैं, और जानकारी को कई बार आपके अनुपयोगी होती है और कई बार लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं और आपको सताने के लिए और या फिर अन्य तरीके से। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में आपको विस्मित किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आइए पूरा समझते हैं मामला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि विस्मित किए जाने का अधिकार, यह अधिकार सार्वजनिक रूप में उपलब्ध स्रोतों में व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार देता है। स्रोत क्या होंगे, इंटरनेट, डेटाबेस, वेबसाइट इत्यादि। तो हाईकोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी साझाकृत है जिसका कोई उपयोग नहीं है तो वहां पर आप इसको हटा सकते हैं उन स्रोतों से। स्रोत क्या है, चाहे वो जानकारी इंटरनेट के तौर पर उपलब्ध हो, इंटरनेट में उपलब्ध हो वहां से हटाई जाए, या डेटाबेस के तौर पर आपने संरक्षित कर रही हो वहां से आपको हटाया जाना चाहिए, या फिर आप वहां पर किसी वेबसाइट पर हो तो भी उसे हटाया जाना चाहिए। आवश्यकता क्यों है, हम कहते हैं कि इस तरीके के अधिकार क्यों प्रदान किए जाने चाहिए, तो आवश्यकता क्यों है। देखिए होता क्या है कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता व निजता संबंधित जो अधिकार है उसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। स्वायत्तता और निजता के अधिकार के लिए उसे विस्मित किए जाने का अधिकार, कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी हो सकती, बहुत पर्सनल हो सकती है, उसे वहां पर इंटरनेट में होने के कारण उसे कई प्रकार की समस्याओं का यहां पर मेंटली कई बार टॉर्चर उसे और यहां पर पब्लिकली सोशली यहां पर उसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, इंटरनेट पर महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उत्पीड़न धमकियों और हितों से उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे कई मामले खासकर महिलाओं के विरुद्ध बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी तस्वीरों इत्यादि अन्य तरीके वीडियो इत्यादि को लेकर कई बार यहां पर इस तरह की समस्या उनको सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए राइट में यहां पर आपको विस्मृत किए जाने का जो अधिकार है वो यहां पर आपको प्रयोग किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, विस्मृत किए जाने का अधिकार इन स्थितियों में तो आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिन आधार पर आपका जो डेटा है उसको विस्मृत किए जाने के अधिकार के तहत लागू नहीं माना जाएगा। किस प्रकार के डेटा को आपको लागू नहीं किया जाएगा तो उसको समझिएगा। पहला, अभिव्यक्ति व सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिकोण से, कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए, लोक हित व लोक स्वास्थ्य कार्य निष्पादन के लिए, जनहित के उद्देश्य के संग्रहण के लिए, वैज्ञानिक ऐतिहासिक और सांख्यिकी परियोजनाओं तथा उनसे संबंधित अनुसंधान, कानूनी दावों का अभ्यास बचाव और स्थापना हेतु, यहां पर ऐसे किसी मामले में यदि आपका डेटा वहां पर जरूरी हुआ तो आपके डेटा को विस्मृत किए जाने के अधिकार के तहत हटाया नहीं जाएगा। तो ये आपने समझ लिया विस्मृत किए जाने के अधिकार को। इसके बाद आता है विधि का शासन। विधि का शासन आप जानते हैं एक टॉपिक है। हाल ही में
सीजीआई के द्वारा एक व्याख्यान दिया गया जिसमें विध के शासन के ऊपर उन्होंने कहा, विध का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। क्या है? विध का शासन मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास यहां पर सीजीआई के द्वारा बताया गया। जबकि यहीं पर अगर हम बात करें एबी डाइसी के द्वारा बोला गया कि नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुता ही आपका विधि का शासन होती है। तो विधि के शासन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और यहां पे समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर व्याख्यान जब सीजीआई के द्वारा दिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि विधि के शासन को लेकर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए। तो विधि के शासन के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, विधि के शासन के तीन सिद्धांत हैं। पहला, विधि की सर्वोच्चता स्थापित करना, विधि के समक्ष क्षमता का होना, और तीसरा विधिक भावना की प्रधानता। इन तीनों ही चीजों को हम विधि के शासन के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत की अगर बात करें विधि के शासन की उत्पत्ति कब हुई, तो रोम के प्रथम गणतंत्र के तौर पर यहां पर विधि के शासन को पहली बार यहां पर इसका प्रयोग किया गया। वर्तमान दृष्टिकोण से है, किस दृष्टिकोण से हम इसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए, मूल अधिकार और मानवाधिकार की रक्षा के लिए, शक्ति के मनमाने उपयोग पर रोक लगाने के लिए हमें विधि के शासन की यहां पर आवश्यकता है। भारतीय संविधान को यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करें और विधि के शासन के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहें कि भारतीय संविधान विधि के शासन के बारे में क्या कहता है, कौन से अनुच्छेद हैं जो विधि के शासन से संबंधित हैं, या कौन से प्रावधान हैं जो यहां पर विधि के शासन को स्थापित करते हैं, तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान में विधि के शासन को इसके मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। ठीक है, इसके मूल शासन मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। साथ ही यहां पर जो आपका आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 जो है वो किसी विधि के न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करने की बात करता है जो विधि के शासन के अंतर्गत है। साथ ही यहां पर अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की यहां पर बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल आपका 14। जबकि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 कहता है कि कार्यपालिका की मनमानी और कार्यवाही पर रोक लगाता है जो विधि के शासन को ही यहां पर स्थापित करने के दृष्टिकोण से है। साथ ही यहां पर शक्ति के पृथककरण को यदि देखें, जहां पर विधायिका कार्यपालिका और न्यायिका के न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथककरण है, किसी एक के पास ही यहां पर शक्ति स्थापित नहीं है, जिसको यहां पर सभी जो चीजें हैं वो संविधान, हमारा जो संविधान है, संविधान को अगर हम देखें, संविधान की सर्वोच्चता भी विधि के शासन की स्पष्ट झलक है और इसी के माध्यम से पूरे संचालित होती है। अगर देखा जाए तो यहां पर कोई संस्था ऊपर नहीं है, यहां कोई पद सबसे ऊपर नहीं है, यहां जो सबसे ऊपर है, जिसकी सर्वोच्चता है, वो विधि के शासन की, और हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है, उसी के माध्यम से सारी कार्य प्रक्रियाएं आपकी चलती हैं, दिशा निर्देशन तय होते हैं, कानूनों का निर्माण होता है, संशोधन होता है, प्रतिबंध लगता है, और ये सारी चीजें कौन है, ये विधि की सर्वोच्चता, हमारा संविधान जो है वो विधि के शासन का एक सबसे अच्छा स्वरूप है। इसके बाद अगला आता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या है? तो सिटीजन चार्टर देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से एक आदर्श पंचायती सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क जारी किया है। ध्यान रखिएगा, एक आदर्श पंचायती सिटीजन चार्टर यहां पर एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। किनके लिए? पंचायतों के लिए यहां पर जारी किया गया है। और यहां पर देखिए क्या क्या है विशेष इस बारे में। तो पहली चीज, बिना किसी पूर्वाग्रह के और नागरिक अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सिटीजन चार्टर को लागू किया जा रहा है। दूसरा जो बात है, पेशेवर प्रवृत्ति को लागू करना है। तीसरी क्या बात है, सेवा वितरण की निगरानी और मूल्यांकन को बेहतर बनाना है। चौथा पॉइंट, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, यहां पर सबसे जरूरी पहलू है, यहां पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है आपको ना, यहां पर जो भी पंचायत सदस्य होंगे। पांचवा, सतत विकास लक्ष्यों के साथ 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करना है। जो भी 29 विषय यहां पर प्राप्त हैं उसके तहत जो भी सेवाएं यहां पर पंचायत के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड करानी चाहिए, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, उसको भी इसके माध्यम से लागू, उसके वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा। छठी बात, यहां पर कहा गया कि पारदर्शिता व स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना है। तो इन सारी चीजों को अगर आपको पालन करना है तो इसके लिए आपको सिटीजन चार्टर यहां पर आपको लागू करने की यहां पर बात इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की गई है। अब बात करते हैं कि मूल रूप से सिटीजन चार्टर होता क्या है और इसके माध्यम से किस तरीके की चीजों को प्राप्त करने की कोशिशें की जाती हैं।
तो देखिए सिटीजन चार्टर जो होता है एक तरीके का लोगों के संदर्भित यहाँ पर कुछ मानक है, उनकी पसंद, पहुंच, ना पहुंच, उनसे संबंधित जो सेवाएं हम प्रोवाइड कराते हैं, नागरिकों को जो सेवाएं प्रोवाइड कराना चाहते हैं उनकी पसंद नापसंद के आधार पर, उनकी पहुंच के आधार पर, उससे संबंधित हम यहाँ पर एक सिटीजन चार्टर को, या सिटीजन चार्टर वही होता है। अब सिटीजन चार्टर के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर ये मूल रूप से एक सेवा प्रदाता है जिसमें सेवा से संबंधित मानक, पसंद, पहुंच, गैर भेदभाव, पारदर्शिता, जवाबदेही के संदर्भ में स्वैच्छिक और लिखित एक घोषणा है। ठीक है, तो सृजन चार्टर क्या है? स्वैच्छिक और एक लिखित घोषणा है। दूसरा, विधिक रूप से यह प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह संवैधानिक तौर पर इसे लागू करने को लेकर यहां पर कोई प्रावधान इत्यादि यहां पर नहीं है, कानून इत्यादि को नहीं बनाया गया है, इसलिए यहां पर क्या है, सृजन चार्टर जो है आपका पूरी तरीके से आपका गैर प्रवर्तनीय है, गैर आपका विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। नागरिक चार्टर के घटक क्या हैं? पहली चीज, संगठन का विजन और मिशन तय करना। जो भी संगठन जैसे पंचायती राज हो गया, संस्था हो गई, ये किस दृष्टिकोण से गठित किया गया है, क्या काम सौंपे गए हैं, क्या प्राप्त करना है, तो संगठन के मिशन और विजन को तय करना। दूसरा, ग्राहकों से अपेक्षाएं। तीसरा, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना। चौथा, संगठन के द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का उचित विवरण प्रस्तुत करना। हितधारक नागरिक और ग्राहक से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना। सेवा मानकों को तय करना जिसमें आपकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। समय सीमा पर नागरिकों को उनकी सेवाओं को उपलब्ध कराना। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। इसको लेकर नागरिक चार्टर के कुछ सिद्धांत तय किए गए ताकि इन सारी उद्देश्यों और विशेषताओं को हम प्राप्त कर सकें। तो नागरिक चार्टर के क्या क्या सिद्धांत है? पहला, पारदर्शिता, नियम, प्रक्रियाएं और योजनाएं और शिकायतों को लेकर यहां पर सुनिश्चित करना। दूसरा, जवाबदेही तय करना जो कि किसी व्यक्ति व संगठन की होगी। और तीसरा, यहां पर जो महत्व है, महत्व के अंतर्गत करदाताओं से प्राप्त धन को किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। गुणवत्ता, जो सेवाओं की गुणवत्ता सुधार। मानक, क्या अपेक्षा मानक पूर्ति हो रही या नहीं। और विकल्प, जहां भी संभव है वो उन्हें प्रोवाइड कराना। इन छह सिद्धांतों के माध्यम से जो नागरिक चार्टर है उसको यहाँ पर लोगों तक उनकी सभी प्रकार की सेवाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करना, प्रशासन पारदर्शिता और सुधार इत्यादि करना, जवाबदेह बनाना, नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारा काम हम किसके माध्यम से करते हैं? सिटीजन चार्टर के माध्यम से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर राजभाषा को लेकर के। राजभाषा क्या है? कर्नाटक व केरल में तुलु को राजभाषा देने की यहाँ पर मांग की गई। तुलु है क्या? तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड जिले में बोली जाती है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक यहां पर राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 345 राज्य विधान मंडल को प्रशासकीय कार्य हेतु भाषा के रूप में किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देती है, अधिकार देती है। साथ ही आठवीं अनुसूची जो हमारी संविधान में है, आठवीं अनुसूची में अभी तक देखें तो 22 भाषाएं यहां पर हैं। आठवीं में यदि कोई किसी राजभाषा को यदि शामिल कर ले, आठवीं जो अनुसूची है उसमें यदि हम किसी राजभाषा, किसी भाषा को शामिल कर लेते हैं तो उस राजभाषा को फायदा क्या होगा, उस भाषा को क्या क्या फायदा होगा। पहला, राष्ट्र की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, साहित्य अकादमी के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाएगी और उसके बाद उसे भाषा संबंधित साहित्यों को वहां पर पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसका अनुवाद किया जाएगा। तीसरा, यहां पर सांसद व जो विधायक होंगे उन्हें संसद और विधानमंडलों में उस भाषा में संवाद करने की यहां पर उनको स्वतंत्रता मिलेगी। और सिविल सेवा परीक्षाओं में उक्त भाषा में आप परीक्षा भी दे सकते हैं। तो यदि राजभाषा के तौर पर अगर आपको मान्यता मिल जाए तो यहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। फिलहाल ये तुलु जो राजभाषा है ये इसको लेकर कर्नाटक और केरल में ये बोली जाती है, फिलहाल इसे राजभाषा का तमगा प्राप्त नहीं है। अगला है नागरिकता। यह गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को यहां पर आपको नागरिकता के दृष्टिकोण से यहां पर पारित किया गया है और एक नई अधिसूचना जारी की गई। नई अधिसूचना क्या है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंधित गैर मुस्लिम जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी को 5 राज्यों में जो इस समय निवासित हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में अधिवासित हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता के आवेदन करने का अधिकार यहां पर प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो गैर मुस्लिमों को जो भारत में 5 राज्यों में रह रहे हैं
उन्हें यहाँ पर भारतीय नागरिकता अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर इनमें जो वैध प्रवासियों के पास जो उन्होंने जो पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारत आए उन्हीं को ये अधिकार दिया जा रहा है फिलहाल। और साथ ही यहाँ पर धारा 3 के तहत यहाँ पर भारत में जो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उसके क्या क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर देखिए नागरिकता अधिनियम 1951 की धारा 5 के तहत रजिस्ट्रीकरण के द्वारा और धारा 6 के तहत देशीकरण के तहत यहाँ पर आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जो यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है जो अन्य देशों से यहाँ पर अफगानिस्तान बांग्लादेश और साथ साथ आपके पाकिस्तान से यहाँ पर भारत आए हुए हैं। इसके अलावा दो अन्य तरीके से टोटल 4 तरीके से यहाँ पर आपको भारत की नागरिकता मिलती है। एक है धारा 3 जो जन्म अर्थात आपका भारत में जन्म हुआ है और धारा 4 आवर्जन के द्वारा भी यहाँ पर आपको नागरिकता मिलती है। नागरिकता अगर देखी जाए तो संघ सूची का विषय है और भारत में वर्तमान समय में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए तो नागरिकता देख लिया क्यों चर्चा का है और बाकी संविधान में क्या प्रावधान किए गए। इसके बाद अगला है डिजिटल मीडिया अधिकार। ठीक है, डिजिटल मीडिया अधिकार क्या है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के उपयोग समर्थित संचालन व स्वनियामक निकाय के रूप में यहां पर इसका गठन किया गया। इस गठन में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अधिशेष के तहत यहां पर यह लागू किया जा रहा है। यह अपीलीय स्तर पर निर्मित द्वितीय स्तरीय तंत्र है। प्रसारण सामग्री के शिकायत परिषद BCC के समान अधिकार यहाँ पर इससे प्रदत्त होंगे और शिकायत निवारण तंत्र जो होगा उच्च सूचना प्रसारण मंत्रालय स्वविनियामक और प्रकाशक 3 स्तरों पर इसे लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मीडिया विनियामक जो परिषद स्थापित की गई है इसका काम है OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट प्रसारित हो रहे हैं उन कंटेंट का नियामक करना और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार के आपत्ति है तो उस वहां पर प्रतिबंधित करना या उस पर काटछाट करना या उस पर रोके जाना और अन्य तरीके के प्रावधान पर लागू करना। अगला यहां पर है आवश्यक रक्षा बिल 2021। सरकार रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों के हड़ताल तालाबंदी छटनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यहां पर यह कानून लाया गया है कि कोई भी सार्वजनिक जो ऐसी कंपनियों में जो सार्वजनिक है जो रक्षा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर ना तो आप हड़ताल कर सकते हैं ना तालाबंदी कर सकते हैं ना कोई छटनी कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार इस कानून के माध्यम से कुछ प्रावधान लेकर आई है। सजा के प्रावधान भी है और न तरीके प्रावधान है। क्या क्या है तो इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा आवश्यक रक्षा सेवा के तहत आवश्यक रक्षा सेवा क्या है, जैसे कि रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जरूरी वस्तुओं के उपकरणों का निर्माण करने वाले और उसके रुकने से यहाँ पर आपको या ऐसा कोई उपक्रम है जो रक्षा संबंधी उपकरणों का निर्माण करता है। दूसरा, सशस्त्र बलों या उनसे जुड़ा कोई एस्टैब्लिशमेंट जिनके रुकने से इनके संलग्न कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित होगी। सरकार के द्वारा ऐसी इकाइयों पर हड़ताल तालाबंदी के दृष्टिकोण से 6 महीने का यहाँ पर आपको प्रतिबंध लगाया गया है और गैर कानूनी तालाबंदी पर 1 वर्ष का कारावास 10,000 का जुर्माना, गैर कानूनी हड़ताल अवैध हड़ताल उकसाने व भड़काने के दृष्टिकोण 15,000 का जुर्माना, 2 साल की सजा और बिल के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में भारत की रक्षा उत्पाद से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं वहां पर उससे संबंधित यह बिल लाया गया है। अब कोई भी चाहे वो रक्षा उपकरण आप उत्पादित करते हो या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसके बंद होने से वहां पे कार्य जो कर्मचारी हैं रक्षा कर्मचारी हैं उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ऐसे दोनों ही प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड कार्य या उपकरण या तंत्र या फिर कंपनियां आप यहां पर न तो हड़ताल कर सकते हैं न तालाबंदी कर सकते हैं न छटनी कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। जेल की सजा के भी प्रावधान है, मैक्सिमम यहां पर 2 साल की जेल के भी प्रावधान है और इसके अंतर्गत ये सारे जो अपराध होंगे वो गैर जमानती होंगे और संज्ञेय अपराध के तहत इसे नोटिस किया जाएगा। ये सारा कुछ किसके अंतर्गत लेकर आया गया, आवश्यक रक्षा बिल 2021 के माध्यम से। अगला यहां पर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग यहां पर बिल 2021 लेकर आया, अर्थात एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो आइए समझते हैं इस आयोग के संदर्भित क्या क्या विशेष है।
दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के जो निकटवर्ती जिले हैं उनको मिला करके इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी को भंग करता है, जो 1998 में गठित की गई थी। साथ ही एक नया संयोजन स्थापित करता है जिसमें चेयरपर्सन, संयुक्त सचिव, पूर्णकालिक सदस्य, 3 स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ, 3 एनजीओ सदस्य यहाँ पर सम्मिलित होंगे इस आयोग के तहत, और इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, मैक्सिमम 70 वर्ष तक रह सकते हैं या 3 वर्ष तक आप काम करेंगे। साथ ही इसमें कुछ पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सदस्य होंगे, जो कि आपके पब्लिक सार्वजनिक कंपनियों से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इसरो का होगा, और नीति आयोग के तकनीकी जो सदस्य होंगे वो भी इस कमेटी में या इस आयोग के आपके सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा आयोग के सदस्यों का चुनाव, ये सारी ये जो सिलेक्शन कमेटी एक बनाई जाएगी जो कि आपको आयोग के से संबंधित, आयोग से संबंधित जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से चुने जाएंगे। सदस्य में यहाँ पर देखिए कौन कौन होगा, तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन जो कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के तौर पर होगा, कैबिनेट सचिव व मंत्री होंगे वाणिज्य, उद्योग, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा विज्ञान एवं तकनीकी प्रभाग, 3 मंत्रालयों से संबंधित एक एक यहाँ पर आपका प्रभारी होगा, एक एक यहाँ पर सदस्य होगा। अब यहाँ पर देखिए आयोग जो बनाया जाएगा, ठीक है, ये तो इनकी कमेटी बनेगी, आयोग बनेगा। अब इस आयोग को यदि जो गठित किया जा रहा है, किस प्रकार के कार्यों को देखने के लिए गठित किया जा रहा है, तो कामकाज क्या होगा, किस तरीके का काम करेंगे ये? तो देखिए पहला जो काम यहाँ पर है, समन्वय स्थापना, विभिन्न राज्यों और विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड और इकाइयां हैं, ठीक है, उनके मध्य यहाँ पर आपको समन्वय स्थापित करेगा। दूसरा, स्पेशल टास्क फोर्स को बनाना और प्रशिक्षण करना, जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर विशेष रूप से इसे तैयार किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण हेतु संहिताएं और दिशा निर्देश तय करना, व्यक्तियों व अथॉरिटी के से संबंधित यहाँ पर रेगुलेशंस को शामिल करना, और एक सब कमेटीज भी बनाना, सब कमेटीज, ताकि वहां पर वो कार्यों को विभाजित कर दिया जाए छोटे छोटे कार्यों में, और वहां पर वो कमेटी पर्टिकुलर एक विशेष कार्यों को दें, और ऐ दला सारा मिल करके वहां पर उस योजना को, उस बड़े क्षेत्र को, वहां पर उसे वायु प्रदूषण संबंधित सभी समस्याओं को हम दूर कर सकें। इसके अलावा जो सब कमेटीज होंगे उनका काम होगा निरीक्षण व पहचान करना, सुरक्षा का प्रवर्तन, अनुसंधान व विकास यहाँ पर, और पुनरीक्षण करना। तो ये सारा काम यहाँ पर सब कमेटीज के माध्यम से किया जाएगा, किसी क्षेत्र का निरीक्षण करना, जुर्माना लगाना और इन तरीके काम करना, पहचान करना, उससे संबंधित यहाँ पर अनुसंधान करना, सुरक्षा प्रवर्तन सुनिश्चित करना। अब यहाँ पर देखिए इनको अधिकार भी दिया गया है कि यदि आप अपने कार्यों के दौरान, यहाँ पर कोई बोर्ड है, कोई मंत्रालय है या कोई अन्य विभाग है या कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, किसी तरीके से वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो वहां पर आप सजा दे सकते हैं। सजा के तौर पे 5 वर्ष की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों यहां पर लगाया जा सकता है उस व्यक्ति या संस्था पर। ये तो हो गया यहाँ पर वायु प्रदूषण संबंधित, यहाँ पर बनाए गए आयोग से संबंधित। अगला यहाँ पर है नारियल विकास बोर्ड संशोधन बिल 2021। तो नारियल बोर्ड यहाँ पर क्यों गठित किया जा रहा है, देखिए कृषि एवं कल्याण मंत्री के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया, जिसमें नारियल बिल विकास बोर्ड 1979 में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में चेयरमैन का जो पद है वो गैर कार्यकारी बनाया जा रहा है। पहले गैर कार्यकारी बनाने से ये हो जाएगा कि आपका जो चेयरमैन होगा उसे सिर्फ भत्ते देने हैं, वेतन इत्यादि की सुविधाएं उसे नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा संशोधन किया गया, सीईओ का पद अलग किया गया। पहले चेयरपर्सन और सीईओ नारियल बोर्ड में एक ही व्यक्ति होता था, अब यहाँ पे अलग अलग हो गया। आपका चेयरपर्सन जो होगा वो अलग होगा, सीईओ अलग होगा। सीईओ को यहाँ पर वेतन और भत्ते दोनों मिलेंगे, जबकि चेयरपर्सन जो होगा उससे सिर्फ वेतन भत्ते मिलेंगे, क्योंकि वो गैर कार्यकारी पद बनाया जा रहा है। पदेन सदस्य के तौर पर यहाँ पे बागवानी एकीकृत मिशन प्रभारी होंगे, उपभोक्ता मामलों के विभाग के सदस्य यहाँ पर इसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कौन कौन से राज्य जो हैं इस बोर्ड के सदस्य होंगे, कौन कौन से राज्य के इसके बोर्ड के सदस्य हैं, तो यहाँ पर देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि, 4 राज्यों के प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल होंगे। साथ ही नारियल उत्पादक प्रतिनिधि केरल से 2, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात से 1-1 यहाँ पे प्रतिनिधि भी इस बोर्ड का सदस्य होगा।
बोर्ड में केंद्र सरकार बारी बारी से 5 सदस्यों को भी नियुक्त करेगी और ये सदस्य होंगे आपके बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा से और नागालैंड से। साथ ही 4 यूटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इन चारों से मतलब यूटी और राज्यों को मिला करके यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बारी बारी से 5 लोगों को इस बोर्ड का सदस्य बनाएगी। चलिए, तो यहाँ पे नारियल बोर्ड हो गया, तो नारियल जो है उससे संबंधित जो इन राज्यों में नारियल का उत्पादन होता है उसको लेकर क्या प्रयोग होगा, किस तरीके से नियम होंगे, कैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, निर्यात आयात कैसे करना है, मूल्य क्या इत्यादि होंगे और इससे संबंधित व्यापारियों को, किसानों को क्या लाभ, तो इस तरह के सारे कामों को देखने के लिए ये नारियल बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है। अगला यहाँ पर है जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा, राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा क्योंकि कई सारे पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें कई सारे जो केसेस हुए राजद्रोह को आधार बनाकर यहाँ पर कई सारे व्यक्तियों पर लगाए गए हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर राजद्रोह जो कानून है क्या है, कैसे लगता है। तो आईपीसी की धारा 124(1) के तहत जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, दृश्य रूपण के माध्यम की प्रस्तुति के आधार पर किसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा, अवमान, असंतोष उत्पन्न करता है, साथ ही यहाँ पर शत्रुता की भावनाएं उत्पन्न करता है, राज्य के विरुद्ध यहाँ पर अपराध की श्रेणी में उसे सूचीबद्ध किया जाएगा और उसे राजद्रोह बोला जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जब सरकार के विरुद्ध इस तरह की गतिविधियां करें, भड़काने का काम करें, उनके विरुद्ध कुछ बोले, चाहे वो लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से, तो ऐसी स्थिति में उसे राजद्रोह कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह कानून कैसा अपराध है? गैर जमानती अपराध है। आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों भी आप पर लागू किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 124(a) की संवैधानिकता पुनर्परीक्षण को अस्वीकार कर दिया गया। तो चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि यहां पर राजद्रोह को लेकर कई बार यहां पर कई सारे केसेस यहां पर लगातार आने लगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये यहां पर याचिका दायर की गई कि राजद्रोह कानून को एक बार फिर से कहीं ना कहीं पुनर्परीक्षण की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऐसा करने से मना कर दिया है। विधि आयोग के द्वारा 2018 में 124(a) पर पुनर्विचार करने या इसे निरस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, तो विधि आयोग ने ऐसा कहा था कि इसे रद्द कर देना चाहिए या इस पर पुनर्परीक्षण करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ना तो सरकार ने और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया है, इसको ऐसा करने को तैयार नहीं है। चलिए, तो राजद्रोह कानून समझ गए। अगली बात आती है नागरिकता संशोधन, सॉरी समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहां पर देखिए चर्चा का विषय बना है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश में नागरिकों के लिए उत्तराधिकार और विरासत के लैंगिक और धार्मिक दृष्टि तटस्थ आधार की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता पर तटस्थता किस पे मांगी गई है? आपको लैंगिक और धार्मिक दृष्टिकोण से तटस्थता की मांग की जा रही है, इसको लेकर एक PIL लागू किया गया है और इस PIL का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो आइए समझते हैं समान नागरिक संहिता। देखिए, यह संहिता भारत के सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विवाह विच्छेद, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण, विरासत इत्यादि के संदर्भ में यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। उद्देश्य क्या है? विभिन्न धार्मिक समूहों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के कानूनी तंत्र को प्रतिस्थापित करना, आर्टिकल 44 में राज्य के निंदेशक तत्व के तहत राज्य से लागू कर सकता है। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक से आपको संहिता जो होता है वो लागू है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि समान जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो यहां पर सभी धर्म के लोगों को एक ही कानून के माध्यम से, एक ही तरीके के चीजों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अलग अलग तरीके के मान्यताएं, प्रावधान, कानून इत्यादि सारी चीजें आपको समाप्त कर दी जाती हैं। तो यहां पर क्या है, सिर्फ एकमात्र राज्य गोवा में फिलहाल आपका समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021, जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा। दिल्ली के प्रशासन को लेकर विवाद लगातार बना रहता है और किसी न किसी कारण ये चर्चा में बना ही रहता है। हुआ क्या है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243(a)(a) का समावेश किया गया, जिसमें दिल्ली को विशिष्ट राज्य का यहां पर एक दर्जा दिया गया है और शासन सत्ता के नियम भी यहां पर बनाए गए।
2021 में कुछ नए संशोधन कर दिए गए। ये नए संशोधन क्या है? तो नए संशोधन में अब सरकार शब्द का जो तात्पर्य होगा वो राज्यपाल से संबंधित होगा। किससे? राज्यपाल से संबंधित होगा, जो सॉरी उपराज्यपाल से संबंधित होगा। और कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति, चाहे कोई भी निर्णय यहां पर मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया हो, वो आप पर उस पर उपराज्यपाल की सहमति आपकी आवश्यक होगी। विधानसभा के द्वारा प्रशासनिक निर्णयों की जांच के लिए स्वयं या समिति का गठन यहां पर विधानसभा के द्वारा गठित किया जाएगा। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को एलजी जो है स्वीकृति यहां पर दे सकता है, और अन्यथा की स्थिति में जो विधानसभा के प्रतिनिधि शक्ति के बाहर यदि किसी विषय पर उसने आपको कोई विधेयक इत्यादि बनाया है, ऐसी स्थिति में वो विधेयक जो होता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वहां पर उसे रख सकता है, उस पर वहां पर उसे रोक सकता है या उसे आगे राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। तो यहां पर जो संशोधन किया गया, ध्यान रखिएगा, अब दिल्ली में सरकार का जो तात्पर्य है वो उपराज्यपाल से है और सभी कार्यवाहियों को राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी, जो अब की दिल्ली की मंत्री परिषद होगी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021। ये क्या है? तो यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का उदाहरण है जिसमें विवाद न्यायालय के बाहर बिना मुकदमेबाजी के सुलझा लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मुकदमा यहां पर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाहर मध्यस्थ के तौर पर, आर्बिट्रेशन के तौर पर, या फिर यहां पर आपस में सलाह मशवरा करके, बातचीत करके मामले को सुलझाने की प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए, पहला यहां पर जो तरीका अपनाते हैं माध्यस्थम, जिसमें निर्णय बाध्यकारी होता है और साक्ष्यों पर विचार करके निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा तरीका है समझौता वार्ता, जिसमें यहां पर स्वैच्छिक समझौता दोनों पक्षों के मध्य किया जाता है और प्रत्यक्ष समाधान यहां पर आपको किया जाएगा। तीसरा तरीका होता है सुलह कर लेना। सुलह करने में ये गैर बाध्यकारी होता है और इससे संबंधित यहां पर विवाद से संबंधित कानूनों की व्याख्या के आधार पर ये सुलह किए जाते हैं। और चौथा मध्यस्थता, जो वार्ता और समस्या समाधान की यहां पर सुविधा प्रदान करते हैं। 2021 के इस विधेयक की अन्य क्या विशेषताएं हैं? तो यहां पर देखिए, अधिनिर्णयों पर स्वतः रोक यदि यहां पर कपट और भ्रष्टाचार से किया गया, तो सबसे पहली चीज, यदि यहां पर मध्यस्थम और या फिर जो भी आर्बिट्रेशन के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं, यदि ऐसे निर्णय जिसपे लगता है कि कोई कपट किया गया, भ्रष्टाचार संलिप्तता है, तो ऐसे सारे निर्णयों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। दूसरा, मध्यस्थों की अहर्ताएं क्या होंगी? ये मध्यस्थ किसे बना, आर्बिट्रेशन किसे बनाया जाएगा? तो भारतीय मध्यस्थ परिषद का, जिसका संरचना एक अध्यक्ष जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का जज होगा, इसके अलावा 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग के निकाय का प्रतिनिधि अंशकालिक सदस्य होगा, पदेन सदस्य के तौर पर सचिव विधिकार विभाग और व्यय विभाग के होंगे, इसमें एक सीईओ भी यहां पर नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन विवाद समाधान के अन्य क्या क्या मॉडल हैं? वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑनलाइन किस तरीके से विवादों को सुलटाया जा रहा है, सरकार के द्वारा इसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो एक तरीका है ऑप्ट इन मॉडल। ऑप्ट इन मॉडल जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, विवाद निपटान प्रक्रिया का स्वैच्छिक तरीके से विवाद निपटान कर सकते हैं। दूसरा मॉडल है ऑप्ट आउट मॉडल। ऑप्ट आउट मॉडल क्या होता है? एक सत्र के लिए मध्यस्थता में प्रवेश और उसके बाद मध्यस्थता चुनने की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है, आप जिसे चाहे उसे आर्बिट्रेशन के तौर पर चुन सकते हैं। चलिए कुछ योजनाएं देखते हैं जो ऑनलाइन यहां पर विवादों को सुलझाने के लिए सरकार प्रयोग कर रही है। पहला है विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर अपनाया जा रहा है ऑनलाइन यहां पर इस तरह की सारी समस्याओं को सुलटाने के लिए। दूसरा समाधान पोर्टल है जो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा ई वैकल्पिक विवाद समाधान, जो ODR आपके हैं, जो ऑनलाइन यहां पर विवादों को सुलझाने के लिए स्टार्टअप्स के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। और सीकरी समिति, जिसने ODR उपयोग को व्यापक आधार देने हेतु नीति आयोग को यहां पर गठित किया है। ODR यानी कि आपका मध्यस्थता और सुलह संबंधित यहां पर संशोधन विधेयक। ऑनलाइन जो होता है आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं, उनको यहां पर समाप्त करने के लिए। चलिए, तो ये हो गया आपका मध्यस्थ सुलह संशोधन विधेयक। अगला यहां पर है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। तो देखिए, इसको लेकर आप लोग जो देखते हैं OTT, अमेजन हो गया, या फिर आप अमेजन प्राइम देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, या फिर डिज्नी हॉटस्टार हो गया, और अन्य तरीके कई आपके प्लेटफॉर्म हैं, तो यहाँ पर और डिजिटल जो मीडिया है, इंटरनेट इत्यादि जो भी सामग्री है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर चर्चा का विषय बना। क्योंकि कई बार जो कंटेंट आ रहे हैं, उन कंटेंट में आपको न्यूडिटी और अश्लीलता जिसको हम कहते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी भाषा शैली प्रयोग की जा रही है, वो कई बार आपको यहाँ पर काफ़ी खराब होती है।
ऐसी स्थिति में कई सारे यहाँ पे एनजीओ के माध्यम से इनके नियामक को लेकर यहाँ पर बात की गई। तो क्या सरकार ने इसको लेकर एक कानून बनाया, ये कानून क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए 180 दिनों तक उपयोगकर्ता की जानकारी को बनाए रखना, साइबर सुरक्षा घटनाओं की यहां पर सूचना देना, शिकायत निवारण तंत्र की यहां पर स्थापना करना, अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण साझा करना, 15 दिनों में शिकायत निवारण उपयोगकर्ताओं, महिलाओं, प्रयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा गरिमा को सुनिश्चित करना, ये सारा कुछ यहां पर डिजिटल मीडिया के तहत आपको सुनिश्चित करना होगा जो भी यहां पर प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही यहां पर दो श्रेणियां बनाई गई, पहली श्रेणी है सोशल मीडिया मध्यवर्ती और दूसरा है महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, जो कि फेसबुक है आपका हो गया, गूगल इत्यादि हो गया, अन्य तरीके जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सोशल मीडिया के तौर पर जो भी चैट करते हैं, जो भी जानकारी होती है, फोटोज होते हैं वो आप शेयर करते हैं, वीडियोज कई बार ऐसे शेयर कर देते हैं तो उसके कारण आपको कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर सरकार ने कहा कि इनकी जवाबदेही तय की जा रही है। कैसे? तो नए सोशल मीडिया विकास को बढ़ावा देने के लिए यहां पर SSMI के द्वारा सम्यक तत्परता का पालन करना होगा। अब फेसबुक जैसी जो कंपनियां, ट्विटर जैसी जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको कुछ काम करने होगा, अगर भारत में संचालन करना है अपनी सेवाओं को तो क्या क्या करना है। पहला, मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने होंगे, नोडल संपर्क व्यक्ति 24 घंटे के लिए यहां पर 24/7 के तौर पे यहां पर एक नोडल एजेंसी, जो कि यहां पर आपकी जो केंद्रीय निगरानी एजेंसियां होंगी उनके साथ आपको लगातार संपर्क में रहना होगा, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की यहां पर आपको जानकारी देनी होगी, मासिक अनुपालन रिपोर्ट आपको जारी करना होगा, कितनी शिकायतें आई, कितनी आपने उसको समाप्त किया, किस तरीके से निवारण किए, कितने आपकी पेंडिंग है। साथ ही पहली बार सूचना जारी होने की पहचान, अर्थात कि कोई देखो आपने कई बार होता है आपको फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, तो जो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं मूल रूप से उसकी उत्पत्ति कहां हुई, सबसे पहली बार वो जनरेट कहां से हुआ उसकी पहचान करना, प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को अपनाना, उपयोगकर्ताओं के सत्यापन का यहां पे स्वैच्छिक तंत्र, जो फेक आईडीज बनती हैं उनका सत्यापन करना, सुनवाई का उन्हें अवसर प्रदान करना और गैर कानूनी सूचना को वहां पे तुरंत हटाना। कई बार होती है गैर कानूनी होती है, गलत भ्रामक सूचनाएं होती हैं जो प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाती हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत आपको हटाना होगा। तो सोशल मीडिया को लेकर यहां पर यह कानून बनाया गया। दूसरा, ओटीटी को लेकर भी एक कानून बनाया गया। ओटीटी को लेकर क्या बनाया गया? तो डिजिटल मीडिया, डिजिटलीकृत सामग्री को इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित किया जाता है, ठीक है। डिजिटल मीडिया क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जहां पर डिजिटलीकृत सामग्री को इंटरनेट कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा प्रसारित किया जाता है। कंटेंट की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है? इन्हें मध्यस्थ, समाचार, समसामयिक, कंटेंट प्रकाशक, ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक यहां पर इसके स्रोत होते हैं। दिशा निर्देश क्या तय किए गए हैं? तो आईटी कानून की धारा 87 के द्वारा इसे लागू किया जाएगा, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पहला है यू, दूसरा है यूए, तीसरा है UA 13+, चौथा है UA 17+ और पांचवी है ए, यानी कि एडल्ट। पेरेंटल लॉक व विश्वसनीय आयु सत्यापन प्रणाली भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लागू करनी होंगी। विधियां यहां पर न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित नहीं करेंगे। जो भी कंटेंट यहां पर न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोका गया है प्रसारित करने को लेकर, उन्हें आप जारी नहीं देंगे। बहुजातीय और बहुधार्मिक कंटेंट प्रदर्शन के दौरान सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण चयन होना चाहिए। देश की सुरक्षा, अखंडता, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखना, आचार संहिता डिजिटल मीडिया पर, समाचार व कंटेंट अफेयर करंट अफेयर्स के प्रकाशकों पर भी यहां पर लागू होती है। और कोई भी समस्या, इनसे संबंधित कोई भी शिकायत आती है तो उसके निवारण के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। तो ये हो गया डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए कानून। अगला यहां पर है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसे हम कहते हैं यूएपीए। ये क्या है? 2019 में 72% की यहां पर वृद्धि यहां पर दर्ज की गई। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा डेटा जारी किया गया कि 2019 में यहां पर इस कानून के तहत यहां पर देखा जाए तो काफी सारे मामलों में वृद्धि हुई है। यह एक व्यक्ति, संगठन जो भारत के राज्य, क्षेत्र, किसी भाग पर आधिपत्य, नियंत्रण, संप्रभुता को खंडित, भारत को अखंडता को बाधित करता है और गैर कानूनी क्रियाविधि घोषित करता है, इन सारी स्थितियों में यूएपीए को लगाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे प्रतिबंधित करता है। साथ ही
अपील की सुनवाई का अधिकार है, लेकिन आरोप यहाँ पर चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों पर यहाँ पर इस कानून के माध्यम से मुकदमा यहाँ पर दायर किया जा सकता है। अर्थात कोई इसी प्रकार की आप ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो भारत के विभाजन, अखंडता, लोगों की सुरक्षा संबंध पर गैर कानूनी तरीके से आप काम कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप भारतीय हो विदेशियों कोई मैटर नहीं करता है, इस कानून के तहत आप पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जांच, इसकी जो जांच होगी यूएपीए के तहत, जो भी यहाँ पर कोई केसेस आएंगे उसकी जांच कौन करेगा, एनआईए के द्वारा किया जाएगा। व्यक्ति और संगठन को आतंकी घोषित कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्ति और संगठन को अगर इसके अंतर्गत कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या घोषित किया जाएगा, आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। और आतंकी घोषित किया जाएगा तब कब, यदि आतंकवादी कार्य करते हैं या उसमें भाग लेते हैं, आतंकवाद के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसमें संलिप्तता होती है, ऐसी स्थिति में आपको आतंकवादी भी यूएपीए कानून के तहत घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर लोक प्रयोजन डेटा। लोक प्रयोजन डेटा क्या होता है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि बेहतर जीवन के लिए डेटा 2021 की यहां पर प्रस्तुत, अर्थात कि जो डेटा की आवश्यकता है वो किस लिए आवश्यकता है, ताकि हम बेहतर क्रियाकलाप, बेहतर जीवन शैली आपको प्रोवाइड करा सकें। अब ये डेटा जो है, लोक प्रयोजन डेटा से तात्पर्य सार्वजनिक नीति की अभिकल्पना, निष्पादन, निगरानी, मूल्यांकन के विषय में लोगों की सूचित या जन कल्याण के लिए डेटा एकत्र करना। तो सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो किस आधार पर बनाती है, जो डेटा उसे मिलता है, और वो डेटा कहाँ से मिलता है, वो भारतीय जनमानस में जो लोग उनकी आय व्यय, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, आवश्यकताएं, इन सारे का जो भी सर्वेक्षण इत्यादि होता है उसके माध्यम से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करके ही वहां पर अपनी योजनाओं को निर्माण करते हैं। या सेवा वितरण में सुधार लाता है, जन कल्याण के लिए एकत्र करते हैं, दुर्लभ संसाधनों की प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं, सरकार की जवाबदेहता तय करते हैं, सामाजिक कल्याण में सुधार लाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जो जानकारी है, पब्लिक जो डेटा है, ये हमें क्यों चाहिए, इन सारी चीजों को लागू करने के लिए, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त पब्लिक इंटरनेट डेटा में अंतराल क्यों है, तो डेटा में असुरक्षा के कारण, डेटा प्रयोग में कठिनाई, डेटा की अपर्याप्त कवरेज और निम्न स्तरीय गुणवत्ता, पब्लिक इंटेंट डेटा के प्रकार। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर डेटा को जो कलेक्ट करने का आधार है वो काफ़ी आपको समस्याप्रद होते हैं, भ्रामक भी होते हैं और सही नहीं भी होते हैं, जो इंटरनेट जैसे चीज़ों पे जो डेटा आपको आता है कई बार वो सही भी नहीं होता है। तो यहाँ पर डेटा को लेकर कई तरह गलत सोचनाएं और जानकारी भी होती हैं जिसे यहाँ पर हमें सही करने की आवश्यकता है। अब डेटा इंटेंट डेटा के प्रकार कौन कौन, कहाँ कैसे, किस प्रकार से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस किस आधार के डेटा होते हैं, वर्गीकरण क्या है, तो पहला है भूस्थानिक डेटा, जो किसी भौगोलिक स्थान पर कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है। नागरिक व मशीन सृजित डेटा, किसी योजना से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो भी डेटा आपका है। तीसरा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के द्वारा, जो आपका संगठन है एनएसएसओ के द्वारा, जो आपका गरीबी है, औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, अन्य तरीके के जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। जनगणना के माध्यम से यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है। और प्रशासनिक डेटा, जो भी यहाँ पर मृत्यु, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर और जनसंख्या के आधार पर जो प्रशासन के स्तर पर जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन डेटा के माध्यम से, इसे हम कहते हैं लोक प्रयोजन डेटा, अर्थात सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो डेटा प्रयोग में लिया जाता है उसे हम बोलते हैं लोक प्रयोजन डेटा। इसके बाद आता है लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग रही है, क्या क्या इसमें श्रेणियां स्थापित की गई हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 167 देशों की लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर जारी किया गया। यहां पर हर एक देश को एक ग्रुप में रखा जाता है। ग्रुप क्या क्या है, वर्गीकरण, पहला है पूर्ण लोकतंत्र जिसमें 23 देशों को रखा गया, दूसरा है दोषपूर्ण लोकतंत्र जिसमें 52 देशों को रखा गया, तीसरा है मिश्रित शासन 35 देशों को रखा गया, और चौथा है सत्तावासी शासन जिसमें 57 देशों को रखा गया। भारत, अमेरिका और ब्राजील को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। और यहां पर इसका कारण बताया गया है कि प्राधिकरण, भारत को यहां पर देखा जाए दो स्थान की गिरावट पिछले साल की रैंकिंग के कारण, जो रैंकिंग है पिछले साल में दो स्थान गिरावट, 53वीं स्थान यहां पर इस बार प्राप्त हुआ है, जिसका कारण प्राधिकरणों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटना और नागरिकों की स्वतंत्रता का यहाँ पर की गई कार्यवाही को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला स्थान यहाँ पर नॉर्वे को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकतांत्रिक सूचकांक हो गया।
अगली बात यहां पे आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर। यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर यहां पर चर्चा का विषय करंट में आपको आया है। चर्चा क्यों हो रही है राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर, निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में, केंद्रीय निर्वाचन, राज्य आयुक्त, तो यहां पर तीन सारी चीजों को यहां पर ध्यान रखना है, पढ़ना है, क्योंकि यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयुक्त नहीं बनेगा। साथ ही भारत व राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करेगा। इसकी पदच्युत का जो अधिकार है वो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। कार्यकाल इनका राज्यवार अलग अलग यहां पर भिन्न भिन्न है। इनका कार्य क्या है, तो नगर निकायों पंचायतों के चुनाव संपन्न कराना यहां पर राज्य चुनाव आयुक्त का कार्य है। इसी तरीके से मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पदच्युत यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार उनकी होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कार्य क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद विधानमंडल के चुनाव को संपन्न कराना। तो ध्यान रखिएगा जो निर्णय आया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आपका नहीं बन सकता है, राज्य आपका राज्य चुनाव आयुक्त। अगली यहां पर न्यूज आती है त्रिभाषा नीति। त्रिभाषा नीति के तहत देखिए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं होगा। 3 भाषाएं नहीं होंगी, सिर्फ 2 होंगी, ठीक है। तो यहां पर राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषी नीति यहां पर केंद्र सरकार के स्तर पर लागू होती है सारे क्रियाकलाप, जबकि जो त्रिभाषा सूत्र है वो किसका अंग है, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर लागू किया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र शिक्षा के तौर पर पढ़ाया जरूर जाएगा सबको, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर लागू नहीं है। अगला, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 चर्चा में क्यों आया है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की मृत्यु होने के पश्चात उसको यहाँ पर भारतीय तिरंगे में लपेट दिया गया, और इसके कारण यहाँ पर यह चर्चा का विषय मिलेगा क्योंकि कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा ये इस कानून का उल्लंघन है, क्योंकि इस कानून के तहत कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान व अपवित्रीकरण के लिए यहाँ पर दंड निर्धारित किया गया है। यहाँ पर इस कानून के तहत चाहे आप राष्ट्रीय कोई चिन्ह है, कमल है, फूल है, जो भी बारह सिंह है, या फिर आपका राष्ट्रीय ध्वज है, किसी का भी, अगर आप किसी का भी यहाँ पर उल्लंघन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का, तो वहां पर उसके खिलाफ दंड के प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है, अब यहां पर देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के अनादरकर्ता के कृत्यों में राजकीय अंत्येष्टि, जो वर्तमान में पूर्व राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सशस्त्र बल, अर्धसैन्य बलों के सदस्यों की अंत्येष्टि के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के आवरण के प्रयोग करने को अनादर माना जाएगा। इस अधिनियम में बोला गया सिर्फ राजकीय सम्मान और सशस्त्र बलों के सदस्यों को ही यहां पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग करने के अंत्येष्टि के समय प्रयोग करने की यहां पर अनुमति है, अन्य कोई यूज नहीं कर सकता है, अन्य कोई भी इसे प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि यहां पर किसान की बॉडी को यहां पर लपेटा गया था और इसी कारण ये चर्चा का विषय है। तो कौन कौन प्रयोग कर सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का यहां पर किस अंत्येष्टि में, किसकी अंत्येष्टि में यहां पर राष्ट्रीय ध्वज का हम प्रयोग कर सकते हैं उसके ढकने के लिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक छूट और दी गई है, यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी अंत्येष्टि को राजकीय अंत्येष्टि घोषित किया गया है तो वहां पर भी हम राष्ट्रीय ध्वज का वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 में परिधान के रूप में झंडे के उपयोग को लेकर भी यही परिधान, यहीं पर यही प्रावधान जो आपको लागू किए गए हैं। साथ ही आपके जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है। तो इस कारण से यहां पर चर्चा का विषय रहा यह कानून आपका। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, घटनाओं आधारित, घटनाओं के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर जो प्रावधान पहले से बने हुए हैं अचानक से आपके करंट के विषय वस्तु बन जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको शायद हम लोग ध्यान से पढ़ते भी नहीं है, और वहां पर वो प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि आप पढ़ के कुछ गए थे और वहां पर पूछ ऐसे भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। चलिए अगला, परिणाम आधारित बजट क्यों चर्चा में है। तो झारखंड ने प्रथम परिणाम आधारित बजट यहां पे पारित किया है, और परिणाम आधारित बजट क्या होता है, सभी सरकारी कार्यक्रमों की माप करके यहां पे बजट जारी किया जाता है, और इस बजट में परिव्यय, उत्पादन, परिणाम के मध्य यहां पे संबंध को स्थापित किया जाता है। आपको पढ़ाया गया है परिणाम आधारित बजट क्या है कि सरकार जो होती है जो बजट पारित करती है
जिन योजनाओं के लिए उसको लागू करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट के आधार पर अगले साल का बजट, तो परिणाम कैसा आएगा वैसा बजट बनेगा, जिसे हम परिणाम आधारित बजट कहते हैं। और किस राज्य ने लागू किया है? झारखंड ने। अगला यहां पर अविश्वास प्रस्ताव। कई सारी सरकारों के विरुद्ध लगातार देखा जाए तो राज्य सरकारों में, हाल फिलहाल अगर हम देखें तो राज्य सरकारों में अस्थिरता का माहौल देखा जा रहा है, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आपको उत्तराखंड, अभी पंजाब, जहां पर सीएम और उसके लेकर लगातार एक परिवर्तन की स्थितियां आपको लगातार देखने को मिली है पिछले 4-5 सालों में। तो यह अस्थिरता का जो दौर है वो कौन सा है, अभी अविश्वास प्रस्ताव किस संदर्भ में लाया जाता है? तो हरियाणा सरकार के विरुद्ध यहां पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसको लाने के लिए किसी सदस्य के द्वारा केवल संपूर्ण किसी सदस्य के द्वारा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये लाया जा सकता है। सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव के कारणों का उल्लेख नहीं करना है, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक सदस्यों का यहां पर समर्थन राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकता है उनकी सदस्य संख्या के आधार पर। केंद्र स्तर पर 50 सदस्य हैं, लेकिन राज्यों में जो विधानसभा सदस्य की सीटें हैं उस सीटों के आधार पर यहां पर यह लाया जा सकता है। साथ ही प्रस्ताव को अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार करना होगा, और अध्यक्ष अगर इसे स्वीकार कर लेता है तो सत्तारूढ़ दल को फिर बहुमत साबित करना होगा, और यदि वो बहुमत साबित करने में असफल हो जाती है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यह अविश्वास प्रस्ताव संबंधी यहां पर प्रावधान। अगला यहां पर एक क्वेश्चन और आया है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को लेकर क्वेश्चन बनता हुआ। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति क्या है, राज्यपाल के बारे में आप पढ़ते हैं, राज्यपाल क्या होता है? देखिए राज्यपाल के बारे में पढ़ के रखिएगा, क्योंकि राज्यपाल क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड हो रहे हैं। एक अभी हमने दिल्ली में देखा उपराज्यपाल वाला मुद्दा, और दूसरा यहां पर देख रहे हैं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को लेकर, ये क्यों है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरालीवरन, ठीक है, एजी पेरालीवरन को यहां पर सजा परिहार करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 2 वर्ष से पड़ी हुई है। अब यहां पर क्या राज्यपाल ऐसी सजा के परिहार करने की उसके पास क्षमादान करने की शक्ति है या नहीं है, तो उसको समझिएगा। राज्यपाल क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है, ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त तो है, लेकिन यह राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से 2 परिस्थितियों के आधार पर अलग है। पहला, राष्ट्रपति सैन्य अदालत के द्वारा दी गई क्षमा को रद्द कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड चाहे राज्य के द्वारा ही, राज्य सरकार के द्वारा ही क्यों ना दी गई हो, उसे भी यहां पर आपको क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा भी नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन राज्यपाल यहां पर कुछ स्थितियों में क्षमादान कर सकता है। क्या? राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदल सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित तो नहीं कर सकता, लेकिन परिहार या कह सकते हैं लघुकरण जरूर कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, क्षमादान यहां पर नहीं दे सकता है मृत्यु की स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन, विरोध प्रदर्शन का आधार। तो देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय यहां पर स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ध्यान रखिए, कई सारे निर्णय जो होते हैं आपके प्रश्न के आधार बनते हैं। एक और निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या दिया, CAA के विरुद्ध, विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध एक दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया है कि यहां पर आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है, सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है। और उन्होंने इस मामले में किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को भी स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को भी ये विरोध प्रदर्शन प्राप्त है। लेकिन कोई भी विरोध प्रदर्शन का अधिकार आपको तभी तक प्राप्त है जब तक कि प्रदर्शन में हिंसा परिवर्तित, आपको प्रदर्शन जो है वो हिंसा में परिवर्तित स्थिति की में नहीं आ जाती है। अगर हिंसा में परिवर्तित हो गई तो ये विरोध प्रदर्शन का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार यहां पर प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अगला एक मुद्दा आया हेट स्पीच। हेट स्पीच यहां पर आपको लगातार पूछा जाता है, हेट स्पीच चर्चा का विषय है, इसको लेकर कई बार आपको यहां पर न्यूज में, न्यूज़पेपर में आपको सुनने को मिली है हेट स्पीच क्या होती है। तो अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि हेट स्पीच बहुलता के प्रति प्रतिबद्ध एक राज्य व्यवस्था में समता के अधिकार को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां पर हेट स्पीच को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर परिभाषित किया। और हेट स्पीच एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी लक्षित समुदाय के विरुद्ध घृणा का सृजन करता है।
ठीक है, हेट का मतलब घृणा उत्पन्न करना, किसी लंचित समुदाय, आपने कुछ ऐसी भाषा शब्दों के माध्यम से लोगों को भड़का दिया किसी एक वर्ग विशेष समूह के, जैसे आप सांप्रदायिक दंगे होते हैं जहां पर हिंदुओं को मिश्रों मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़का दिया जाता है, वो आपको भड़काने की जो शैली है वो आपको हेट स्पीच की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा एक और शब्द प्रयोग किया जाता है फ्री स्पीच, तो हेट स्पीच से फ्री स्पीच अलग कैसे है? फ्री स्पीच क्या होती है? सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने, पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार, जिसे धारा 153 या 295 के तहत यहां पर आपको प्रावधान किया गया है फ्री स्पीच का। चलिए, प्रश्नकाल एक चर्चा का विषय बना क्योंकि सरकार के द्वारा अपने सत्र में प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था, है ना, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था, तो प्रश्नकाल को समझिए, यह भी प्रश्न पूछ सकता है प्रश्नकाल क्या होता है। तो COVID-19 महामारी के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल व गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित किया गया। मूलतः प्रश्नकाल जो होता है वो संसद की बैठक का प्रथम घंटा, इस दौरान संसद सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से जानकारी, सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार यहां पर होता है उसके पास। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो प्रश्नों की कुछ श्रेणियां होती हैं। पहला प्रश्न जिसे हम कहते हैं तारांकित प्रश्न, जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। दूसरा होता है अतारांकिक प्रश्न, जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तीसरा यहां पर है अन्य अल्प सूचना प्रश्न, जो प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। और चौथा निजी सदस्यों के प्रश्न, जो किसी निजी प्रश्न पर या टॉपिक्स पर आपको पूछे गए हों। सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछने के लिए सभापति को या अध्यक्ष को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, और लोकसभा में प्रति व्यक्ति जो होता है 5 और राज्यसभा में 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति को 5 लोकसभा में और राज्यसभा में 7 प्रश्न पूछने का यहां पर अधिकार प्राप्त है। ये तो हो गया आपका प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन आता है लाभ का पद। लाभ के पद को लेकर यहां पर चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि संसदीय समिति पैनल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रद्युत बोर दोलक बनाम स्वराज रॉय वाद 2001 में 4 व्यापक सिद्धांत यहां पर लाभ के पद को स्थापित करने के लिए दिए थे कि पहला, क्या पदों पर नियुक्त पदस्थ व्यक्ति को हटाने और कार्य निष्पादन पर सरकार का नियंत्रण है? दूसरा, क्या उस पद के लिए सरकार किसी के तहत पारिश्रमिक प्रदान कर रही है? तीसरा, क्या पद पर जिस विनिकाय के अंतर्गत है सरकार की शक्तियां उसमें निहित हैं? और चौथा, क्या निकाय जिसमें पद धारण किया गया है संरक्षण के माध्यम से प्रभाव और प्रज्ञ है? यदि ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं जहां सरकार इन्वॉल्व है तो वहां पर उसे लाभ का पद माना जाएगा, अगर आप दोनों जगहों पर काम कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में 2006 में जया बच्चन केस में लाभ प्राप्त की संभावना एक निर्णायक कारक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया। जरूरी नहीं कि आप लाभ प्राप्त कर ही रहे हो, बल्कि लाभ प्राप्त की संभावना भी है तो उसे भी लाभ का पद यहां पर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। साथ ही अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत सांसद और विधायक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो सांसद को अनुच्छेद 102(1) के तहत और विधायक को अनुच्छेद 191(1) के तहत कोई भी आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर प्रतिबंधित किया गया है। तो लाभ का पद संबंधी क्या क्या प्रावधान है और इसको लेकर क्या प्रतिबंध है वो हमने देख लिए, किस आधार पर निर्धारित होते हैं ये भी हमने देख लिया। अगली बात यहां पर आती है अनुच्छेद 164(1) चर्चा का विषय क्यों बना है? यहां पर किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 164(1) के तहत यहां पर परिभाषित किया गया है और इसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 91 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164(1) को जोड़ा गया और किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद होगा वो कितना होगा, 15% होना चाहिए लेकिन कुल सदस्यों का। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अभी हाल में चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार में एक समय पर ऐसा हुआ जहां पर मंत्रियों की संख्या ये 15% के कोटे को पार कर गई। चलिए अब यहां पर देखते हैं विशेषाधिकार हनन को लेकर क्या प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन के मामले में अर्णब गोस्वामी को यहां पर राहत दी है क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी और उसको लेकर उनके खिलाफ एक केस दायर कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर यहाँ पर अर्णब गोस्वामी को यहाँ पर राहत तो दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों को यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है। विशेषाधिकार हनन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसको लेकर क्या प्रावधान है, सुनिएगा। ऐसा कोई भी कृत्य जो विधानमंडल के किसी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा या अवरोध उत्पन्न किया जाए, सांसदों संसद को अनुच्छेद 105 के तहत, विधायक और विधानमंडल को अनुच्छेद 194 के तहत प्रदत्त जो अधिकार हैं, विशेष जो अधिकार हैं, यदि उसका अतिक्रमण किया जाता है तो इन स्थितियों को बोला जाएगा विशेषाधिकार हनन, ठीक है। और ऐसी स्थिति में वहां पर आप पर विशेषाधिकार हनन के केस दायर किए जाते हैं, और हाल फिलहाल ऐसे कई सारे केसेस आपको देखने को मिले हैं जहां पर सांसदों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा किसी न किसी पर जिसकी जो टिप्पणी की गई है उनके विरुद्ध यहां पर केसेस दायर किए गए हैं। चलिए अगली बात आती है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी यहां पर का पुनर्गठन, यहां पर सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा के वेणुगोपाल को महान्यायवादी के रूप में एक वर्ष के लिए यहां पर पुनर्नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। के वेणुगोपाल भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी पद के सृजन का यहां पर किया जाता है। देश का ये सर्वोच्च आपका विधि अधिकारी होता है जिसे संसद की दोनों सदनों की कार्यप्रणालियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान यहां पर नहीं दे सकता है। इसके लिए जो अर्हता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के रूप में यहां पर प्रश्न होना चाहिए, और इसका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत यहां पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो ये तो हो गया महान्यायवादी, के वेणुगोपाल को ध्यान रखेगा, उससे संबंधित तथ्यों को मैंने बता दिया। अगली बात आती है अंतर्राज्यीय परिषद को लेकर। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के यहां पर पुनर्गठन किया गया क्योंकि यहां पर सरकारिता आयोग के द्वारा अनुशंसित 1990 में राष्ट्रपति आदेश के द्वारा गठित किया गया, और अनुच्छेद 263 इसे संवैधानिक यहां पर अधिकार प्रदान करता है अंतर्राज्यीय परिषद को। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को निपटान को यहां पर सलाहकारी निकाय है क्योंकि सलाह के माध्यम से यहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को निपटाने का कार्य करता है। आपसी समन्वय को प्रोत्साहन देना, अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, यह स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, जब आवश्यकता पड़ती है तब गठित किया जा सकता है। 1990 के आदेश में संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल परिषद की बैठक में भाग ले सकता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद में बैठता वैसे सीएम है, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां पर राज्यपाल पार्टिसिपेट करेगा। इसके अतिरिक्त इसकी जो संरचना है, इसके अध्यक्ष होंगे पीएम, सभी राज्यों के सीएम, यूटी के प्रशासक, 5 कैबिनेट मंत्री, और स्थायी समिति में आपके अध्यक्ष पीएम होंगे, 5 कैबिनेट मंत्री होंगे, और 9 राज्यों के सीएम यहां पर अंतर्राज्यीय परिषद में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम देखिए यहां पर आपके नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों के प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है। क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस और सोशल प्रोग्राम इम्प्रूविटी के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मूल्यांकन रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई। यह कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ 115 जिलों में संचालित होती है, और इसमें अविकसित जिलों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में तेजी से सुधार लाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है, ठीक है। जो मूल रूप से ज्यादा पिछड़े हुए जिले हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम सफलता से यहां पर आर्थिक उपाय, सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद के समान क्षेत्रीय विकास को महत्व देता है, और इसके अंतर्गत 5 मुख्य विषय सम्मिलित किए गए हैं। 5 मुख्य विषयों के परिणामों पर इसे केंद्रित यहां पर यह आकलन है। तो क्या क्या यहां पर है? पहला है स्वास्थ्य और पोषण 30%, शिक्षा को 30%, कृषि और जल संसाधन को 20%, वित्तीय समावेशन को 5%, कौशल विकास को 5%, और मूलभूत अवसंरचना को 10% दिया गया, टोटल 100%, और इसके आधार पर मूल्यांकन किया गया, किसको कितनी यहां पर अंक मिले हैं उसके आधार पर यहां पर रैंकिंग जारी की जाती है, और उसमें सुधार को लेकर प्रयास लगातार किए जाते हैं। अब यहां पर देखिए इसमें इसके अलावा इसमें 49 संकेतक शामिल हैं। अब यहां पर 3 प्रमुख सिद्धांतों के तहत इसे यहां पर पूरा तैयार किया जाता है। 3 प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला है केंद्र व राज्य योजनाओं को अभिसरण करना, दूसरा केंद्र राज्य जिलों व नागरिकों के मध्य समन्वय स्थापित करना, और तीसरा यहां पर जिलों के मुख्य प्रतिस्पर्धा को यहां पर जिलों के मध्य मुख्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। नीति आयोग के द्वारा संचालन किया जाता है, और केंद्र सरकारों के द्वारा यहां पर इसके मुख्य संचालक के तौर पर कार्य करती हैं। जिले के स्तर पर एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और नीति आयोग के द्वारा इन सारी चीजों के लिए डेल्टा रैंकिंग भी जारी की जाती है।
तो ये हो गया आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो नीति आयोग के द्वारा 115 जिलों में पिछड़े सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को संकेतकों के आधार पर, कुछ मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। चलिए अगला है ई लोक अदालत। ई लोक अदालत आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटलीकृत व्यवस्था के माध्यम से लोक अदालतों को यहाँ पर आयोजित करने की एक व्यवस्था है। महामारी के समय में लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। 15 राज्यों में ऐसी 27 लोक अदालतों को यहाँ पर जून से अक्टूबर माह में यहाँ पर संचालित किया गया और उसके माध्यम से 2.5 लाख केस जो हैं उनका निस्तारण किया गया। इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो न्यायिक अधिकारी होते हैं, सदस्य के तौर पर एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट करता है। साथ ही यहाँ पर इसके निर्णय निवास जो होते हैं अंतिम होते हैं, न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार करना होगा और इनके आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। प्रथम जो ई लोक अदालत यहाँ पर प्रथम ई लोक अदालत आयोजन करने वाला जो राज्य है वो बन गया आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, प्रथम ई लोक अदालत को संचालित करने वाला राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। चलिए अगले स्तर पे आते हैं। अगला है यहाँ पर अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार। अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार को यहाँ पर देखिए जारी किया गया कि एनआरआई को डाक मत पत्रों के माध्यम से विदेशों से मत डालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब एनआरआई भी यहाँ पर भारत के चुनावों में अपना वोट डाल सकता है डाक मत पत्र के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के 2021 के चुनाव में वो इस प्रकार के मतदान के स्वीकार करने को तैयार है। यहां पर देखिए जो मतदान होगा वो कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहां पर प्रेषित मतपत्र के द्वारा यहां पर इनके वोटिंग कराई जाएगी और एनआरआई को रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर यह सूचना देनी होगी कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और उसको वोट देने के लिए भारत नहीं आना है बल्कि वो अपने ही जहां पर वो निवास कर रहा है, जैसे अमेरिका में है तो वहां पर जाना है, अपने जो काउंसलर है भारत का, काउंसलिंग जो विभाग होगा या फिर आपका राजदूत जहां पर रहते हैं वहां पर जाना है, अपने वोटिंग को वहां पर आपको सुनिश्चित करना है और वो उसका जो डाक मतलब डिस्प्ले माध्यम से वो भारत तक पहुंचाया जाएगा। भारत में निर्वाचन की 3 श्रेणियां हैं जिसमें सामान्य निर्वाचक के अंतर्गत 18+ आता है, दूसरा जो निर्वाचक है वो प्रवासी निर्वाचक है और तीसरा जो निर्वाचक है वो सेवा निर्वाचक है जिसमें सशस्त्र बल, भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारी आता है। तो आम नागरिक जो 18+ है वो 3 तरीके की निर्वाचक श्रेणियां हैं भारत में। तो आम नागरिक हो गया जो भारत में निवास कर रहे हैं, दूसरा एनआरआईज होंगे जो विदेशों में रह रहे हैं और तीसरा जो भारत के सशस्त्र बल हैं जो कि अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको वहां पर जहां पर हैं वहीं से अपनी डॉक अपने चुनाव या वोटिंग करने का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है, तो उन्हें हम कहते हैं सेवा निर्वाचक। चलिए अगला है यहां पर चुनाव से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा आता है। जब भी चुनाव होता है तो परिसीमन किया जाता है, परिसीमन क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो परिसीमन आयोग का काम क्या है उसको समझिएगा। लोकसभा के द्वारा 15 सांसदों को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है, ठीक है, कितने 15 सांसदों को। परिसीमन क्या होता है, किसी देश, प्रांत, राज्य के विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया है कि यहां पर किस क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में संज्ञा दी जाएगी, उसका एरिया क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर कितना होगा, ये सारा कुछ यहां पर निर्धारित करने का काम परिसीमन करते हैं, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 82 संसद में यहां पर प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन अधिनियम के द्वारा परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 82 के तहत। साथ ही यहां पर अनुच्छेद 170 के माध्यम से राज्यों में परिसीमन के लिए लागू किया जा सकता है। राज्यों में परिसीमन के लिए अनुच्छेद 170 है। संरचना इनकी कैसी होती है, तो यहां पर जो एक अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जिस राज्य में चुनाव होने हैं उस राज्य का यहां पर निर्वाचन आयुक्त होगा और इनका कार्य यह होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, सीमाओं का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने का काम परिसीमन आयोग करता है। इसके अतिरिक्त एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों के स्थानों को भी चिन्हित यही करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान समय में 2002 में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभाओं की परिसीमन प्रक्रियाओं को यहां पर रोका गया है। तो अगली जो परिसीमन होगी 2026 के चुनाव या उसके बाद जो होने वाले चुनाव के लिए किए जाएंगे।
तो परिसीमन आयोग हो गया, उसके कार्य देख लिए क्या क्या काम करते हैं। अगला है यहां पे प्रत्यावर्तन के अधिकार, ये क्या है? हरियाणा विधानसभा के द्वारा हरियाणा पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, और इस विधेयक में सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये विधेयक पंचायती राज सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है मतदाता को। राइट टू रिकॉल अर्थात पंचायत सदस्यों को वहां की जनता वापस बुला सकती है यदि वहां पर उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ध्यान रखिएगा प्रत्यावर्तन का अधिकार यहां पर दिया गया, और इसके लिए पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 हरियाणा सरकार के द्वारा पारित किया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है सुन लीजिए। पहला, मतदाता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यकाल समाप्त के पूर्व हटाने की शक्ति दी गई है। दूसरा, यह ग्राम पंचायतों, सरपंचों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर के पंचायत सदस्यों को बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा, कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित रूप से याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति। उसके बाद यहां पर गुप्त मतदान का संचालन होगा। साथ ही राइट टू रिकॉल प्रस्ताव को पारित करने हेतु 2/3 सदस्यों के पक्ष में मतदान करना होगा, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का उदाहरण ये आपको किस तरीके का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत राइट टू रिकॉल के अलावा कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं जिसे हम कहते हैं रेफरेंडम। ठीक है, क्या होता है रेफरेंडम, जनमत संग्रह, नागरिकों की पहल और एजेंडा पहल जैसे के माध्यम से भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सीधा जनता उसमें इन्वॉल्व होती है किसी प्रकार के निर्णयों को फाइनल स्टेज आपको देने के लिए। चलिए अगला यहां पर चुनावी व्यय को लेकर, हाल ही में यहां पर चुनाव आयोग ने एक खर्च जो चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा है उसको यहां पर बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? तो प्रत्याशी के चुनाव व्यय की सीमा 10% की वृद्धि के साथ ही यहां पर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को विधि व न्याय मंत्रालय के यहां पर 10% चुनाव व्यय की सीमा को 10% बढ़ा दिया गया है। अब कितना खर्च कर सकते हैं, यदि आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अब पहले था 70 लाख आप खर्च कर सकते हैं, अब आप 77 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। साथ ही यदि आप विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां 28 लाख से बढ़कर इसे 30.8 लाख रुपए आप अपने चुनाव व्यय में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक व्यय करेंगे तो यहां पर 3 साल के लिए आपको चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं, जो चुनावी व्यय सीमा है उससे ज्यादा खर्च करने पर। चलिए अगला यहां पर एक और चीज है, विश्व निर्वाचन निकाय संघ क्या है। विश्व निर्वाचन निकाय संघ को इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है 2019 से 2021 की अवधि के लिए यहां पर अध्यक्ष चुना गया है, और ये जो संघ है विश्व निर्वाचन निकाय संघ ये विभिन्न राष्ट्रों के निर्वाचक आयोग का सबसे बड़ा संघ है, विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन आयोग का यह संघ है। नई दिल्ली में इसका एक केंद्र है, 2013 में इसकी स्थापना दक्षिण कोरिया में की गई और इसका सचिवालय सियोल में है। सदस्य देशों में चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, विश्वभर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण निर्वाचन को यहां पर सुनिश्चित विश्व निर्वाचन निकाय संघ के द्वारा किया जाता है। चलिए यहां पर ये सारे प्रावधान चुनाव इत्यादि को लेकर देख लिए, अब यहां पर चलिए कुछ कानूनों को लेकर फिर से बात करते हैं। कुछ और कानून और यहां पर संशोधन सरकार के द्वारा किए गए कुछ अधिनियम लेकर आए गए, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है विदेशी अभिदाय विनिमय संशोधन अधिनियम 2020। ये क्या है? तो विदेशी अंशदान को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, विदेशी अंशदान को स्वीकार करने पर प्रतिबंध, यदि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार, समाचार पत्र संपादक, प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी लेखक सेवक कोई भी यहां पर विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता यदि आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण को भी यह प्रतिबंधित करता है। पंजीकरण के आधार, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड धारक के कार्ड के आधार पर यहां पर विदेशी अभिदाय की यहां पर पुष्टि होगी। विदेशी अंशदान बैंकों को FCRA खाते में ही लिया जाएगा। किस खाते में? जो विदेशी अभिदाय से संदर्भित खाता है उसी खाते में पैसा लिया जाएगा, और ये खाता आप सिर्फ SBI बैंक की नई दिल्ली शाखा में खोल सकते हैं। विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार यहां पर निर्णय लेगी, और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर भी केंद्र सरकार निर्णय यहां पर प्रतिबंध लगा सकती है। यदि कोई यहां पर विदेशी अंशदान का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वहां पर उस पर प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा। 6 माह के भीतर यहां पर लाइसेंस का नवीनीकरण, प्रशासनिक उद्देश्यों के विदेशी अंशदान के उपयोग को घटाकर 20% कर दिया गया है।
तो जो विदेशी अनुदान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यदि वहां पर उसका कोई प्रयोग नहीं है तो उस पर जो खर्च करना है उसका सिर्फ 20% आप प्रशासन सेवा पे खर्च कर सकते हैं। और पंजीकरण के निलंबन 180 दिनों से अधिक समय तक के लिए यहां पर कर दिया गया है। तो ये सारा कुछ यहां पर इस कानून के अंतर्गत लेकर आए। अगला कानून यहां पर है गैर सरकारी संगठनों का विनियमन करना, ठीक है, एनजीओ का। एनजीओ का विनियमन कैसे करेंगे, तो यहां पर एनजीओ को प्राप्त धन की निगरानी पर सख्त किया गया है और इसके तहत फेमा और फेरा कानून यहां पर लागू किए गए। साथ ही यहां पर आर्टिकल 1901 सी के तहत संघों के गठन का अधिकार है और दो अनुच्छेद 43 बी के तहत सहकारी सोसाइटी को बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। तो एनजीओ को गठन करने के लिए भारतीय संविधान में दो आर्टिकल हैं, ध्यान रखिएगा किन किन आर्टिकल के आधार पर एनजीओ का गठन होगा। तो पहला यहां पर है आपका, पहला यहां पर है आपका अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघों के गठन का प्रावधान किया गया है और दूसरा जो प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 43 बी के तहत भी यहां पर किया गया है। सहकारी सोसाइटी को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा और इसे संवर्ती सूची के तहत यहां पर धर्मार्थ संस्थान, धार्मिक विन्यास इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है जो एनजीओ के तहत यहां पर इनको भी आप विकसित कर सकते हैं। भारत में एनजीओ के विनियमन का संबंधी प्रावधान लागू किए गए हैं। कौन से यहां पर विनियमन को लेकर किस तरीके से एनजीओ का विनियमन करेंगे, क्योंकि कई बार जो होता है ये एनजीओ जो होते हैं पैसे इत्यादि प्राप्त करते हैं, टेरर फंडिंग में भी काम करते हैं, अन्य प्रकार की अनियमितताओं में यहां पर उनको देखा जाता है। ऐसी स्थिति में यहां पर एनजीओ पर जो निगरानी और नियंत्रण किया जाता है वो आपको फेमा और फेरा कानून के तहत यहां पर किया जाएगा। अगला यहां पर है विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020, एक कानून लाया गया जो विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित है। क्या कानून है, विद्युत उपभोक्ताओं को किस तरीके के अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो देखिएगा प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, ठीक है, न्यूनतम सेवा स्तर, मानक निर्धारण, उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता देना यहां पर इस कानून के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना ताकि नए जो कनेक्शन है, जो बिलिंग इत्यादि संबंधी समस्याएं हैं वो दूर कर सकें आप। दूसरा, सेवा की विश्वसनीयता के लिए 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। तीसरा, उपभोक्ताओं को मुआवजा, यदि वहां पर गलत बिलिंग की गई है, उनको किसी तरह की समस्याएं आई हैं, तो वहां पर जो विद्युत वितरण कंपनियां जैसे डिस्कॉम है, तो वहां उपभोक्ताओं को वहां पर आप मुआवजा देंगे। चौथा, ऑनलाइन बिल भुगतान की स्थिति को प्रोवाइड किया जाएगा। और पांचवा, बिजली प्रंज्यूमर बनाए जाए। बिजली प्रंज्यूमर का मतलब हुआ जो भी उपभोक्ता है उसके द्वारा कोई संयंत्र लगाकर स्वयं बिजली का उत्पादन किया जाने लगे उसे बिजली प्रंज्यूमर बोला जाएगा, और डिस्कॉम के द्वारा यदि उसे बिजली आपूर्ति की जा रही है तो उसका उसी के साथ समायोजित कर दिया जाए। तो ये हो गया आपका अधिनियम कानून। अगला यहां पर एक और कानून आया, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन विधेयक 2020। यहाँ पे तंबाकू सेवन, सिगरेट, धूम्रपान को लेकर कुछ कानून बना दिए गए हैं और इस कानून में देखिए क्या क्या बातें की गई हैं। पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्तावित है और इसके तहत जो विशेषताएं हैं इस कानून में क्या क्या, इस ड्राफ्ट में क्या क्या बोला गया है। पहली बात कही गई है कि धूम्रपान की जो आयु है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए, ठीक है, 21 साल से ऊपर के व्यक्ति ही यहाँ पर धूम्रपान कर सकें। दूसरा, खुली सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा, होटल, रेस्तरा और विमान पत्तनों पर जो आपके धूम्रपान के लिए कमरों को अलग से यहां पर विशेष कमरे बनाए गए हैं उन्हें समाप्त किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो वहां पर जो जुर्माना 200 रुपए है उसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। और साथ ही यहां पर अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण का आयात पर कठोर दंड और जुर्माने के आरोपण यहां पर किए जाएं। तो एक तरीके से धूम्रपान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह प्रावधान यहां पर लेकर आया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021। इसके तहत अनुच्छेद 239(a) के द्वारा निर्वाचित विधायिका आंशिक नामित होगी, मंत्रिपरिषद होगी, राज्य विधान परिषद विधानसभा के चयनित सदस्यों के संदर्भ में पुडुचेरी में जो प्रावधान लागू हैं वो यहां पर लागू होंगे। साथ ही प्रशासनिक केडर्स का इसमें विलय किया जाएगा और भविष्य में जो नियुक्तियां होंगी वो आपकी AGMUT, ठीक है, AGMUT जो कैडर है वहां से नियुक्ति की जाएगी। AGMUT जो कैडर है उसमें अरुणाचल प्रदेश है,
मिजोरम, गोवा और सभी केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित हैं। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान, दूसरा संशोधन बिल 2021। दूसरा संशोधन बिल 2011 में ही बनाया गया था और इसमें स्पष्ट किया गया था कि इसकी जो समयावधि है इसको 2020 में समाप्त हो रही थी, 2011 में बनाए गए कानून को, तो उसको इस संशोधन के माध्यम से 2021 के इस कानून के माध्यम से उसकी समयावधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 2023 कर दिया गया। तो दूसरा जो संशोधन विधेयक है दिल्ली से संबंधित, ये है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो देखिए यहां पे पहला है स्लम व झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को स्थानांतरित करना, अनाधिकृत कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्रों को विनियमित करना, अनुभव भवन निर्माण करना, सीमाओं को तोड़कर बने फार्म हाउस संबंधी नीति, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करना और लोगों को यहाँ पर श्रम आपको कम से कम तकलीफ देना। तो यहाँ पर दिल्ली से संदर्भित जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, स्लम हैं, उनको किस तरीके से दूर करना है, क्लस्टर निवास करना है, आवासीय सुविधाएं देना है, उसका विकास करना है, कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा बनाया गया है जो कि यहाँ पर कानून के विरुद्ध, यहाँ पर कोई फार्म हाउस या कोई बिल्डिंग निर्माण की गई है तो वहाँ पर ज़्यादा बिना नुकसान पहुँचाए आपको उसको यहां पर ठीक करना, तोड़फोड़ करना और साथ ही साथ यहां पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए ये कानून यहां पर 2011 में बनाया गया था जिसे 2023 तक यहां पर आपको विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान एससी आदेश संशोधन बिल 2021। इसमें तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रस्तावित बदलाव प्रभावी बनाए जाएंगे जिसमें देवेंद्र कुरलम समुदाय को देवेंद्र कुला वेलावर में बदल दिया गया है। तो यहां पर देखिए तमिलनाडु में पाई जाने वाली अनुसूचित जातियों को यहाँ पर समायोजित करने के लिए यहाँ पर आपको ये बिल पारित किया गया है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली अनुसूचित जातियों को समायोजित करने के लिए बिल पारित किया गया है जिसमें आपको समुदाय का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। क्या है, पहले नाम था इसका देवेंद्र कुलथन समुदाय था जिसका अब नाम हो गया है देवेंद्र कुला वेलालर। ठीक है, तो यहाँ पर देवेंद्र कुला वेलालर कर दिया गया है और ये तमिलनाडु में पाई जाने वाली एससी समुदाय है। चलिए अब यहां पर देखते हैं राष्ट्रीय अगला कानून है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन बिल 2021। ये क्या है, तो 6 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। 6 कौन कौन से, 6 फार्मास्यूटिकल्स कौन कौन से हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कहां कहां बन रहे हैं, अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली में 6 आपके राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यहां पर सरकार के द्वारा यहां पर बनाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा बिल एक काउंसिल की स्थापना करेगा, इन सारे फार्मास्यूटिकल को संचालित करने के लिए एक काउंसिल की स्थापना की जाएगी। काउंसिल में कौन कौन होंगे, तो काउंसिल के द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि, दाखिले के मानदंड, सेवा शर्तों के लिए फीस, धनराशि के आवंटन, केंद्र सरकार से यहां पर धनराशि के आवंटन, संस्थाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा व मंजूरी, ये सारा काम यहाँ पे काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। अब ये काउंसिल में कौन कौन से सदस्य होंगे, तो काउंसिल के जो सदस्य हैं इसमें होंगे आपके एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, फार्मास्यूटिकल्स पर नियंत्रण रखने वाला मंत्रालय का एक प्रभारी या सचिव, हर गवर्नर बोर्ड के चेयरपर्सन पदेन होंगे, हर संस्थान के डायरेक्टर पदेन होंगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के डायरेक्टर होंगे पदेन, सीएसआईआर के पदेन सदस्य होंगे, लोकसभा राज्यसभा से 3 सदस्य होंगे और जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और पदेन यहां पर आपको निरंतर नहीं रहेंगे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में टोटल यहां पर 23 सदस्य होंगे और 23 ये सदस्य मिलकर के यहां पर ये काउंसिल बनेगी और काउंसिल जो होगी ये सारे निर्णय करेगी, किस तरीके से पाठ्यक्रम क्या होगा, संचालन कैसे होगा, अनुसंधान क्या होगा, क्या कार्य होंगे, कितना आवंटन धनराशि का होगा, ये सारा कुछ। नेक्स्ट कानून यहां पर आया खान व खनिज विकास रेगुलेशन संशोधन बिल 2021। ये क्या है, तो यह बिल खान और खनिज एक्ट 1957 में संशोधन करता है और यह प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है, देखिए कम प्रमुख प्रावधान इसमें जो खनिज आपके खान थी उनको किसे प्रोवाइड कराया जाएगा, किस आधार पर प्रोवाइड करना है, लीज किसे देंगे, टेंडर क्या होगा, इसको लेकर सरकार ने कुछ नियम बना दिए गए हैं। तो खान और खनिज किसे प्रोवाइड कराएंगे, देखिए यहां पर क्या क्या है, पहला प्रावधान है कि खनिजों के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध को हटाना है, खनिज का अंतिम उपयोग किस तरीके से करना है, ये जो प्रतिबंध लगा दिया गया था इसको हटाना है। दूसरा, कैप्टिव खानों द्वारा खनिज की बिक्री, ठीक है, अपनी जरूरत के 50% पूरा करने के बाद आप खुले बाजार में कर सकते हैं, कैप्टिव खाने के तौर पर जो भी यहां पर खाने हैं जो कैप्टिव हैं जो खाली हैं
ऐसी खानों के अगर आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपकी जरूरत पूरी हो गई है तो उसके बाद भी आपने एक्स्ट्रा उत्पादन कर रखा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाजार में बिक्री कर सकते हैं। दूसरा, कुछ मामलों में केंद्र सरकार द्वारा नीलामी की जा सकती है। मान लीजिए यदि कोई राज्य सरकार के द्वारा किसी खान की नीलामी का उसके पास अधिकार है और राज्य सरकार नीलाम नहीं कर पाई है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उस खान की नीलामी कर सकती है। साथ ही वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण किया जाएगा। लीज खत्म होने वाली खानों का आवंटन सरकारी कंपनी को 10 वर्ष के लिए दे दिया जाएगा, यदि वहां पर नई कोई कंपनी को नहीं खोज लिया गया है तो। मौजूदा कंसेशन होल्डर्स को अधिकार दिया गया है कि वो प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट जारी करके उसे लीज यहां पर मिलने की वहां पर उसे अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि राज्य सरकार लेटर ऑफ इंटेंट दे देती है तो किसी भी कंपनी को यहां पर लीज पर यहां पर कोई भी खान को प्राप्त करने का अधिकार होगा। सरकारी कंपनी की लीज को बढ़ा देना, अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करके कोई भी सरकारी कंपनी के पास यदि कोई पहले से किसी खान की लीज है तो उसे वो अतिरिक्त भुगतान करके वो एक्स्ट्रा समय के लिए उसके अपने पास रख सकती है। खनन लीज खत्म होने की शर्त, यदि लीज मिलने के बाद 2 वर्ष तक खनन नहीं शुरू किया गया है या 2 वर्ष तक खनन का काम बंद रखा गया है, ऐसी स्थिति में जो खनन की लीज है वो आपसे छीन ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉन्सेंस परमिट को यहां पर हटा दिया गया है, जिस तरीके से खान और खनिज को लेकर सरकार के द्वारा नई पॉलिसी यहां पर आपको बनाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नेविगेशन के लिए मरीन एक्ट्स बिल 2021। ये क्या है? तो नेविगेशन एक्ट्स के रखरखाव प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क तथा लाइट हाउस एक्ट 1972 को ये रद्द करता है। और यहां पर जो भी नेविगेशन है, जो मरीन क्षेत्रों में आपको नेविगेट करना है, कोई भी जहाज है, बोर्ड है या फिर कुछ अन्य है, जो वेसल्स हैं, जो यंत्रों के माध्यम मशीनीकृत आपकी जहाज हैं, उनके दृष्टिकोण से यहां पर कहां संचालित होगा, रखरखाव कैसे करेंगे, उससे संबंधित प्रावधान इसमें लागू किए गए हैं। यहां पर बोला गया है कि ये जो पूरा कानून है पूरे भारत में लागू होगा, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर्स हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, चाहे वो आपका ईईजेड क्षेत्र हो, चाहे वो मैरीटाइम ज़ोन्स हो, सभी जगह। अब यहां पर नेविगेशन के कुशल संचालन, ट्रैफिक की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि को इस बिल में सम्मिलित किया गया है कि जो भी जहाज यहाँ पर नेविगेट हो रही हैं उन्हें इन सारे मानकों को पूरा करना होगा। साथ ही नेविगेशन एक्ट्स महानिदेशालय के महानिदेशक, उप महानिदेशक, जिला निदेशक यहाँ पर की जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इसके जो पद हैं, पदों पर जो अधिकारी हैं सर्वोच्च पदों पर, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय सलाहकार कमेटी की नियुक्ति यहां पर सलाह देगी, जो नेविगेशन एक्ट की स्थापना, उन्हें हटाने, प्रस्ताव की लागत, उप समिति यहां पर नियुक्त करेगी, जो यहां पर बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसी को भी बेसल ट्रैफिक सेवा संचालन की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, वही इस प्रकार के यंत्र चालित जहाजों इत्यादि को यहां पर नेविगेशन कर सकता है, उसे संचालित कर सकता है। साथ ही नेविगेशन एड्स पर जो देय है, नेविगेशन एड्स सभी को देना होगा, चाहे वो भारत आने वाली हो, चाहे भारत से जाने वाले आपके वेसल्स हों, जहाज हों, सभी को यहां पर आपको ये पे करना पड़ेगा। हेरिटेज लाइट हाउस नेविगेशन में सहायता करेंगे और हेरिटेज लाइट हाउस को यहाँ पे शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। सजा क्या है? यदि आप नेविगेशन एड सेवा की जानबूझकर बाधित, कम या सीमित करते हैं तो 6 महीने की सजा और 1,00,000 का जुर्माना या दोनों, और यदि सेवा को जानबूझकर नुकसान और नष्ट करते हैं तो 1 वर्ष की सजा और 5,00,000 का जुर्माना या दोनों के प्रावधान इस कानून के तहत यहाँ पर किए गए हैं। तो नेविगेशन रिलेटेड सरकार के द्वारा बनाया गया ये कानून है। इसके बाद है इनलैंड वेसल्स बिल 2021। ये क्या है? अंतरदेशीय जहाजों को लेकर बनाया गया कानून 1917 का यह स्थान लेगा, जिसमें अंतरदेशीय जहाजों के परिवहन का रेगुलेशन किया जाएगा। विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली चीज, यंत्र चालित अंतरदेशीय जहाज का डिजाइन, निर्माण, कर्मचारी, आवास के मानक और सर्वे के प्रकार, अवधि इत्यादि की यहां पर मंजूरी अब आपको लेनी पड़ेगी। यदि किसी को अंतरदेशीय क्षेत्र में आपको कोई भी नौवहन करना है, संचालन करना है, तो उससे संबंधित जो नौकायन होगी, क्या होगी, कैसी होगी, आकार, डिजाइन, वो सारी चीजें आपको उसकी अनुमति यहां पर लेनी होगी इस कानून के लागू होने से। साथ ही यहां पर अंतर्देशीय जल क्षेत्रों के संचालन के लिए सर्वे व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, नव परिवहन सुरक्षा सिग्नल उपकरणों के विनिर्देशन का पालन करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं की सूचना निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को देना, साथ ही यहां पर न्यूनतम लोगों की निश्चित संख्या, जहाज पर कितने लोग रहेंगे उसकी न्यूनतम संख्या सरकार निश्चित करेगी, और अगर आप उस न्यूनतम संख्या का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं ऐसी स्थिति में आप पर यहां पर 10,000 रुपए पहली बार में, और दूसरी बार आप उल्लंघन करते हुए पाए गए तो 25,000 रुपए जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। साथ ही जहाज निर्दिष्ट मानकों के आधार पर सीवेज बहाए जाएंगे और उसका निपटान करेंगे। तो जहाज के जो सीवेज है उनको कहां आपको निस्तारण करना है उसके लिए आपको निर्दिष्ट क्षेत्र बताए गए हैं, वहीं पे आपको करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अंतरदेशीय जहाजों की यहां पर डेटा सुनिश्चित करना, डेवलपमेंट फंड का प्रावधान ताकि यहां पे आपात स्थिति, प्रदूषण रोकथाम, अंतरदेशीय जहाजों के परिवहन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। गैर यंत्र चालित अंतरदेशीय जहाज संबंधी कुछ कार्य राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय सरकार को सौंपा जा सकता है, और ये स्थानीय सरकार जो है जहाजों से संबंधित डेटा जमा करना, सभी जहाज की पहचान और मानदंड निर्धारित करने के कार्य यहां पर देख सकते हैं जो कि गैर यहां पर यंत्र संचालित होंगे। इसके बाद अगला आता है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। ये क्या है? तो किरायेदार और मकान मालिक, जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। वो क्या है? मकान मालिक के द्वारा किरायेदार से अपेक्षित लिखित समझौता किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में किराया, किरायेदार की अवधि, आवासीय परिसर के लिए 2 महीने का और गैर आवासीय परिसर के लिए 6 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर आपको दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट में ये सारे आपको प्रावधान करने होंगे। अगर मान लीजिए किरायेदार को बेदखल करना हो तो किन परिस्थितियों में बेदखल किया जा सकता है एग्रीमेंट के बाद भी? मान लीजिए कोई भी जो किरायेदार है उसके द्वारा 2 महीने से किराया नहीं दिया गया हो, या उसने परिसर पर कब्जा कर रखा हो, या लिखित नोटिस के बाद भी परिसर का वह दुरुपयोग कर रहा हो, ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट के बाद भी आप जो किरायेदार है उसको यहां पर मकान मालिक हटा सकता है। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक विवाद निर्णय तंत्र बनाया गया है, जिसमें पहला है आपका किराया प्राधिकरण, दूसरा है किराया न्यायालय, तीसरा है किराया ट्रिब्यूनल। अब इसमें से जिला कलेक्टर, राज्य सरकार की अनुमति से जिला कलेक्टर के द्वारा किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जबकि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की यहां पर सलाह से यहां पर किराया ट्रिब्यूनल की यहां पर स्थापना करेगा। चलिए, तो ये हो गया यहां पर सरकार के द्वारा बनाए गए जो प्रमुख कानून है वो हमने देख लिए। एट द लास्ट कुछ योजनाएं हम यहां पर देख लेते हैं जो कि पॉलिटिकल एंगल से आपको देखने को मिलती हैं सरकार के द्वारा। पहला है मिशन कर्मयोगी। प्रशासन से दृष्टिकोण से मिशन कर्मयोगी क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। यह नियम आधारित, भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन को इसके तहत विकसित किया जाएगा, अर्थात जो सिविल सेवा होंगे, सिविल सेवकों को यहां पर कार्य विशेष के तौर पर उन्हें विकसित किया जाएगा। यह सार्वजनिक तथा निजी संगठनों के भीतर जारी अनुचित कृत्यों, इसके तहत अवसंरचना पदों की भूमिकाओं, गतिविधियों, दक्षता ढांचा आधारित दृष्टिकोण यहां पर विकसित किया जाएगा। यह योजना 5 साल के लिए लागू की गई है, 2021 से 2026 के लिए। साथ ही यहां पर एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण यहां पर व्यवस्था लागू की गई है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का यहां पर डैशबोर्ड भी यहां पर के माध्यम से इसका आकलन किया जाएगा। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से बेहतर गुणवत्ता युक्त यहां पर सिविल सेवकों को तैयार करना और भूमिका विशेष के आधार पर उन्हें विकसित करने को लेकर यहां पर कार्य करेगी। अगला है फिशल ब्लोअर संरक्षण। फिशल ब्लोअर क्या होते हैं? ये कई बार चर्चा का विषय रहता है न्यूज़पेपर और प्रशासन में, जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर यह क्वेश्चन आता है विसल ब्लोअर को लेकर। उपराष्ट्रपति के द्वारा सभी कॉर्पोरेट्स को विसल ब्लोइंग सूचना प्रदायकी या मुखबरी तंत्र को प्रोत्साहित करने को और सूचना प्रदाता के पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर यहां पर जोर दिया गया था। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार के अपने संस्था में होने वाली कदाचार, भ्रष्टाचार जैसी जानकारी को आपको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने वाला, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, यह सार्वजनिक निजी संगठन में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने, जारी अनुचित कृत्यों, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में जनता का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया को यहां पर बोला जाता है व्हिसल ब्लोइंग। व्हिसल ब्लोअर कौन होता है? तो वो कोई भी हो सकता है।
ऐसा कोई व्यक्ति जो सुरक्षा तंत्र सूचना प्रदाता या सचिव आपूर्तिकर्ता स्वयं सेवक के रूप में यहां पर कर्मचारी है, निदेशक है के पद पर किसी भी कंपनी में कार्य कर चुका है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो निजी क्षेत्र की हो। इसके अलावा सुरक्षा तंत्र सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014, सेबी अंतरंग व्यापार अधिनियम, प्रशी अधिनियम और कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से व्हिसल ब्लोअर को यहां पर संरक्षण भी प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बाद आता है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। इसको लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी की व्यापक समीक्षा के लिए रणबीर सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति को यहां पर गठित किया गया। तो ध्यान रखिएगा 5 सदस्यीय समिति रणबीर सिंह समिति किससे संबंधित है, आईपीसी और सीसी के यहां पर समीक्षा के लिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा यहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। क्यों किया गया है, तो यहां पर अवसंरचना विकास के लिए कार्यक्रम प्रबंधन के दृष्टिकोण से यहां पर अंगीकरण किया गया है। कार्यक्रम और परियोजनाओं को यहां पर बेहतर बनाना, उनके प्रबंधन को यहां पर बेहतर बनाना, जनता सामर्थ्य में वृद्धि करना, लागत को यहां पर कम करना और अवशिष्ट पदार्थों का बेहतर प्रयोग करना। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें एक ऐसी परियोजनाओं का विकास करना है जो लागत प्रभावी हो, अवशिष्ट कम से कम निकले, पर्यावरण के अनुकूल हो, लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके। और ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिए यहां पर कौन सी योजना लाई गई है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप यहां पर नीति आयोग के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। अगला है यहां पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल विकेंद्रीकृत शासन का एक सबसे बेहतर आपका एग्जाम्पल आप इसे कह सकते हैं। इसके तहत विकेंद्रीकृत योजना के निर्माण, कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग, कार्य के लेखांकन, बेहतर पारदर्शिता इत्यादि को यहां पर सुनिश्चित किया जाना है। 2020-21 में 2.43 लाख ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजना को यहां पर अंतिम रूप यहां पर ऑलरेडी दिया है। अगला है सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2020। एनजीओ पब्लिक सेंटर अफेयर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें समावेशी विकास के दृष्टिकोण से यहां पर कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे समानता, विकास और धारणता के आधार पर इसे जारी करना। यहां पर भारत के राज्यों की इसमें रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बड़े राज्यों के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हुए हैं, जबकि ओडिशा को, बिहार को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं छोटे राज्यों के स्तर पर यहां पर गोवा को शीर्ष और अंतिम स्थान आपको मणिपुर को प्राप्त हुआ है, जबकि यूटी को चंडीगढ़ के अंतर्गत यहां पर शीर्ष स्थान आपको प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी सूचकांक के, सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2020, जिसे एनजीओ के द्वारा, एनजीओ कौन सी, पब्लिक सेंटर अफेयर्स के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। दूसरा यहां पर है शहरी शासन सूचकांक 2020, जिसे प्रजा फाउंडेशन के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित, स्वशासन के सशक्तिकरण के कार्य के आधार पर इसे जारी किया जाता है। ओडिशा शहरी प्रशासन में शीर्ष पर है और मणिपुर, नागालैंड यहां पर सबसे निचले स्तर पर है इस सूचकांक। ओडिशा सबसे पहले शहरी प्रशासन में और मणिपुर, नागालैंड सबसे निचले स्तर पर है। साथ ही यहां पर एक तथ्य यहां पर बताया गया है कि शहरी प्रशासन या निकाय के अंतर्गत किसी भी राज्य ने नगर पालिकाओं के 18 कार्यों को अपने शहरी निकायों में, सभी 18 कार्यों को अपने शहरी निकायों में लागू नहीं किया है, यहां पर इस सूचकांक में से भी स्पष्ट किया गया है। लास्ट टॉपिक है फाइव स्टार गांव योजना। फाइव स्टार गांव योजना के तहत यहां पर देखिए इसे भारतीय जो डाक सेवा है उसके द्वारा यहां पर शुरू किया गया है। तो भारतीय डाक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर 5-स्टार योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत बचत खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ खाता, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी खाता, बीमा पीएम सुरक्षा बीमा योजना खाता, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना खाता, ये 6 योजनाओं के अंतर्गत यदि किसी गांव में ये 6 खाते आपके खुले हैं लोगों के, इनमें से यदि मान लीजिए 4 भी खाते अगर किसी गांव में खोल लिए गए हैं किसी व्यक्ति ने और पूरे गांव में यहां पर आपको सबके पास उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में उस गांव को बोला जाएगा 5-स्टार गांव, 5-स्टार गांव बोला जाएगा। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी 4 अगर खाते पूरे गांव में कवर कर लिए गए, सार्वभौमिक कवरेज कर लिया गया है गांव में, तो उसे हम बोलेंगे 5-स्टार गांव।
तो यहां पर देखिए हमने फाइनली आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी विषय वस्तु को लेकर इसमें हमने पूरे जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बनते ही हैं लेकिन पॉलिटी से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। आपको करंट अफेयर्स के आधार पर ही पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करना है। इंडियन पॉलिटी में उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो यहां पर करंट में चर्चा का विषय आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो भी आपके हैं, जो भी करंट है, जो भी टॉपिक विशेष है, सिटीजन चार्टर जैसी चीजें हैं, नागरिक चार्टर क्या है, न्यायपालिका क्या है, आयोग क्या है, देखिए आयोग सारे पढ़ लेने हैं, जितने भी आयोग हैं, संवैधानिक आयोग हैं आपके और अन्य आयोग हैं उनको पढ़ लेना है। केंद्र राज्य संबंधों की स्थिति को लेकर चर्चा का विषय, अंतर्राज्यीय परिषद है, नीति आयोग है, इस तरह के जो क्वेश्चन इसमें बने हैं अर्थात जो भी मैंने यहां पर अब तक आपको इतना पढ़ाया है ये सब का सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत। अब आपका काम है इसको रिवीजन कर लेना, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, इनका रिवीजन कर लेना। आपके पॉलिटी के मोस्टली आपके 1.5 साल के सभी प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको मिल जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से यहां पर मिल जाएगा। तो मेरा काम था आपको ये 1.5 साल का करंट आप तक प्रोवाइड कराना। वहां पर आपको अब इस 1.5 साल के करंट को कवर करने में हो सकता है महीनों लग जाते हैं, 1.5 साल के करंट कवर करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन एक वीडियो में एक पूरे सब्जेक्ट का पूरा आधार यहां पर आपको मिल रहा है, जिसको यदि आप चाहें तो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे दे करके आपका न सिर्फ करंट अफेयर्स आपको पूरा हो जाएगा बल्कि साथ साथ यहां पे इंडियन पॉलिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में इस साल पूछे जा सकते हैं वो भी यहां पर आपको इस पूरे वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा। इन टॉपिक विशेष के जरूर जाकर अपने इंडियन पॉलिटी के बुक्स या नोट्स में ओपन करके उन सारे चीजों को पढ़ लेना है, उनसे संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ लेना है, प्रावधानों को पढ़ लेना है, प्लस करंट पढ़ लेना है। आपकी पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने वाले हो और सही करके आने वाले हो। तो यहां पर अब आपका काम शुरू होता है इस सारी जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिली हुई है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है, मैंने मेरा काम था आप तक कंटेंट पहुंचाने का काम था, आप तक मैंने कंटेंट पहुंचा दिया। आपकी एक बड़ी समस्या का कि कहां से पढ़ें क्या छोड़ें वो हल कर दिया। अब आप तक कंटेंट पहुंच गया, अब आपको सिर्फ इसको पढ़ना भर है। अब अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर आपके लिए यहां पर समस्या है कि आई होप अगर आप इतना भी काम नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्जाम क्रैक करना समस्या हो सकती है ना। तो यहां पर पका पकाया सब कुछ आपको सिस्टमेटिक ढंग से आप तक पहुंचा दिया गया है, पढ़ने का तरीका बता दिया गया है, क्या क्या पढ़ना वो बता दिया गया है, और उसके बाद भी अगर ना पढ़े तो समस्या है। और एग्जाम के आने के समय का वेट मत करिए कि एक हफ्ता बचेगा, एक दिन बचेगा तब पढ़ेंगे, अभी से पढ़िए ताकि एग्जाम के आने वाले समय तक आपकी तैयारी एकदम 100% रहे और आप एग्जाम को आसानी से इसी साल क्रैक करेंगे, ठीक है। तो इस सप्ताह हमने इंडियन पॉलिटी का विषय वस्तु कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीक अगले मंडे को इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के 1.5 साल के करंट अफेयर्स में हम सब कुछ लेकर कवर करने वाले हैं। तब तक अगले एक हफ्ते में आपका इंडियन पॉलिटी पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए और इस वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। इसको यहां पर आप यूट्यूब पर भी पब्लिक रहेगा तो वहां पर आप इसे कई बार चाहेंगे तो वहां पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अन्य विषय के साथ। थैंक यू सो मच।